सभी को मेरा नमस्कार। मैं जुबेर खान आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के प्रतिभागी हरियाणा राज्य से जुड़े हुए हैं। आप सभी सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम समग्र शिक्षा के रूप से भी जानते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। आप सभी इस ग्रुप में समग्र शिक्षा से जुड़े हुए प्रधानाचार्य, स्कूली शिक्षक, विशेष शिक्षक और नियमित शिक्षक भी शामिल थे। इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं आपको गूगल मीट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि वेबिनार के दौरान अपना अपना माइक ऑफ रखें। यदि आप अपना माइक ऑन रखेंगे तो साउंड इको होगा और आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे पाएगी। अतः पुनः आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया अपना माइक ऑफ रखें। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आवश्यकता ना हो तो अपने डिवाइस, जिससे आप वेबिनार से जुड़े हुए हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि, उसका कैमरा ऑफ रखें। क्योंकि जब कोई भी रिसोर्स पर्सन अपना पीपीटी प्रेजेंट करेंगे तो उससे उन्हें डिस्टरबेंस हो सकता है। आपके डिवाइस के ऊपर दिए गए प्रेजेंट नाउ के बटन को कृपया ना दबाएं, क्योंकि रिसोर्स पर्सन जब भी पीपीटी शेयर करेंगे, पीपीटी के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे, तो वह डिसअपीयर हो जाएगा, अर्थात आपको दिखना बंद हो जाएगा। अतः आप प्रेजेंट नाउ का बटन कृपया ना दबाएं। प्रेजेंट नाउ का मतलब आज के वेबिनार में यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी किसी प्रकार की अटेंडेंस उसके माध्यम से ली जाएगी। यदि आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए राइट साइड में दिए गए चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप कमेंट्स या अपने विचार रख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत जल्दी आपसे जुड़ने वाले हैं संस्थान के निदेशक परम आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर, उनको मेरा नमन। साथ ही साथ रिसोर्स पर्सन श्री आरपी सिंह सर, डॉक्टर जसमेर सर एवं डॉक्टर पंकज सर, आप इन सभी शिक्षाविदों के अनुभव का लाभ उठाइए और आगे की कार्रवाई के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार सिरपुरकर सर को। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जुबेर सर नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। जुबेर जी ने बताया कि आज हमसे हरियाणा स्टेट के समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स, स्पेशल एजुकेटर्स, रेगुलर टीचर्स, हेडमास्टर्स, सब हमसे जुड़े हुए हैं। आप सबको पता है कि आज का जो समय, जो दौर है, वो पैंडेमिक कंडीशन है हमारे पूरे विश्व भर में, जिसकी वजह से शिक्षण प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वो काफी बाधित हो रही है। लेकिन जिस फ्रेटर्निटी को हम लोग बिलोंग करते हैं, वो फ्रेटर्निटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल जो है वो अपने आप में बड़ा अहम है। जैसा आप सबको पता है, हम सब शिक्षक है किसी न किसी रूप में, और शिक्षक का एक 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 अहम उत्तरदायित्व होता है कि अपने उत्तरदायित्वों का वो अच्छी तरीके से निर्वहन करे, ताकि हम देश का भविष्य तैयार कर सके। अर्थात आप जो हैं, आप भविष्य भारत का भविष्य निर्माता एरिया है, अब इसको यह हम यदि कहते हैं तो गलत नहीं होगा। तो इस पेंडेमिक कंडीशन में किस प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं, इसके लिए जो हमारा संस्थान है, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, जो दिव्यांगों की सेवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए सर्विसेज पूरे देश भर में उपलब्ध करा रहा है, इसी क्रम में इस पेंडेमिक कंडीशन में भी हम किसी प्रकार से अपनी सेवाओं को बाधित नहीं करना चाहते हैं। जिसके लिए माध्यम हमने चुना है, सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो माध्यम हमने चुना है, वो माध्यम है वेबिनार।
इस वेबिनार के माध्यम से पूरे देश भर से हम लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ना केवल हरियाणा से बल्कि पूरे देश भर से। हमारे जो डॉक्टर निदेशक महोदय हैं डॉक्टर हिमांशु दास सर, इनका विजन बहुत अच्छा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पेंडेमिक कंडीशन का फायदा उठाया जाए, लाभ उठाया जाए, और हम घर बैठे बैठे ही अलग अलग एजेंसियों से, अलग अलग एनजीओ से, अलग अलग शिक्षाविदों से और अलग अलग प्रकार के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे क्यों ना वार्तालाप करें, क्यों ना क्यों हम व्यूज का एक्सचेंज करें, अपने व्यूज को बताएं, और जो ऐसे टॉपिक जो डिसेबिलिटी को रिलेट करते हैं उसके संबंध में क्यों ना हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू करें। तो इसी दिशा में ये प्रयास है जो आज का वेबिनार है। इस वेबिनार के माध्यम से हम पूरे देश भर के समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े हुए जो विशेष शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या और भी जो एजुकेटर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, उन सबसे हम लोग सीधी वार्तालाप करें। तो मैं कहना यही चाह रहा था कि हम सब लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पूरे देश भर से जो जुड़े हुए शिक्षक हैं, ये हम लोग की सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस पेंडेमिक कंडीशन में भी हमारी सर्विसेज जो है वो कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। तो एक वेबिनार एक माध्यम है, शायद एक ऑनलाइन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अवेयरनेस क्रिएशन का काम लगातार कर सकते हैं। तो उसी दिशा में एक ये प्रयास है आज का, जिसके कारण आज हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज ये प्रथम प्रयास है, आज ये पहला दौर है जब हम हरियाणा के समग्र शिक्षा अभियान के टीचर्स और प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर या स्पेशल एजुकेटर से जुड़ रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि आगे ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती रहे और आप लोग फीडबैक देंगे इस प्रोग्राम होने के बाद में कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, वेबिनार कैसा लगा और किस किस विषय पर, किस किस टॉपिक पर आप सुनना चाहते हैं या किस किस टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो आपके तरफ से भी फीडबैक हमको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि व्यूज ऑफ एक्सचेंज जो है वो लगातार चलता रहे। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वेबिनार में। हमारे बीच उपस्थित है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास सर। हिमांशु दास सर ने जब से NIEPVD ज्वाइन किया हुआ है लगातार हम लोगों को मोटिवेशन देते रहे हैं। इसके पहले भी वो जितनी संस्थाओं में रहे हुए हैं लगातार उनसे गाइडेंस और निर्देशन हमको लगातार प्राप्त होते रहा है। इस पेंडेमिक कंडीशन में जहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया थोड़ी बाधित हो रही है, इस शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया को बाधा ना पहुंचाते हुए हम किस प्रकार से अपने शिक्षकों से, अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग एजेंसियों से या अलग अलग प्रोफेशनल से कैसे जुड़ सकते हैं, माध्यम कौन सा होना चाहिए? तो माध्यम है वेबिनार या ऑनलाइन मोड। तो हमारे डॉक्टर हिमांशु दास सर ने एक आइडिया रखा कि क्यों ना हम इस प्रकार के वेबिनार की पूरी सीरीज शुरू करें ताकि जितने प्रोफेशनल्स हैं उनसे लगातार हम टच में रहे। तो इसी क्रम में आज ये पहला वेबिनार हम हरियाणा समग्र शिक्षा अभियान के साथ कर रहे हैं। सर आज हमसे जुड़े हुए हैं समग्र शिक्षा अभियान हरियाणा से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स, एजुकेटर्स, रेगुलर टीचर और हेडमास्टर्स। आज पूरी जो संख्या थी, हमने 250 का टारगेट दिया था, 250 की संख्या पूरी हो चुकी है सर। इसके अलावा भी लगातार हमारे फोन आ रहे हैं तो हम उनको यूट्यूब लिंक से जोड़ रहे हैं सर, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे निदेशक महोदय को हमें आशीर्वचन देने के लिए, डॉक्टर हिमांशु दास सर। नमस्कार सुनील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है समग्र शिक्षा अभियान हरियाणा के लिए। हमारी मुहिम को आपने बहुत ही जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। पिछले हफ्ते आपने उत्तराखंड के लिए किया, इस हफ्ते आपने हरियाणा के लिए किया। उम्मीद है आने वाले दिनों में हम लोग पूरे देश भर के लिए कार्यक्रम करेंगे। हमारे समग्र रिसोर्स पर्सन निश्वेद के जो भी है उनको भी मैं आमंत्रण करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समग्र शिक्षा के जो भी अधिकारी का गण है और हमारे शिक्षक गण है, रेगुलर टीचर, रिसोर्स टीचर, स्पेशल टीचर जितने भी हैं, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए। हालांकि मैं हरियाणा से ही मेरी पढ़ाई शुरू की थी, तो अगर 25 साल पहले हरियाणा में और 25 साल पहले हरियाणा में MED इन स्पेशल एजुकेशन और BED इन स्पेशल एजुकेशन था, तो आप समझ सकते हैं हरियाणा कितना अग्रणी स्टेट में से था इस देश में। लेकिन पिछले 20 साल से मैं हरियाणा में काम कर रहा हूँ, हरियाणा का NGO क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आज की डेट में जब हम हरियाणा की अचीवमेंट देखेंगे इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन इन रिलेटिव कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री,
आज उतना तस्वीर जो है उतना अच्छा नहीं है। मेरे काफी मित्र जो है वो समग्र शिक्षा अभियान में काम करते हैं और ये जो लर्निंग की जो कल्चर है, अपनी अचीवमेंट को आगे बढ़ाने की जो एक पर्सनल लेवल की इनिशिएटिव है, लर्निंग की जो कल्चर है, इस कल्चर में कभी ना कहीं थोड़ी सी कमी आई है। मैं चाहूंगा सर्व शिक्षा और समग्र शिक्षा अभियान की समूह अधिकारीगण हमारे साथ जुड़े, संपर्क करें। हम आपके साथ हैं और हम चाहेंगे आपके साथ जुड़ के हम भी समावेशित शिक्षा के बारे में सीख सके और आपको भी हमारे जो एक्सपर्टीज है वो एक्सपर्टीज हम दे सके। आज की डेट में हमारा संस्था जो है पूरे देश भर में शिक्षक प्रशिक्षक ट्रेनिंग के साथ जुड़ा हुआ है और कोविड के समय में ये हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सबके साथ जुड़ सके और अलग अलग टॉपिक जो समग्र शिक्षा अभियान के हिसाब से जरूरतमंद टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक जो है स्टेट की तरफ से हमें आप लोग दे सकते हैं। उन टॉपिक्स के ऊपर जो है हम आपके लिए देश भर के अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए जितना हो सके हम आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह रखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपका चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम आप लोग शुरू करें और अच्छा अगर चला पाए हम लोग बहुत जल्द, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से वो लोग हमारी इन सारे कार्यक्रमों को आने वाले दिनों में सीआरई कंटिन्यूड रिहैब एजुकेशन प्रोग्राम जिसके तहत आपको पॉइंट्स मिलता है और पॉइंट्स के जरिए आप जाके आगे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल करा सकते हैं आरसीआई में, भारतीय पुनर्वास परिषद में। तो आने वाले दिनों में ये सारे प्रोग्राम्स को सीआरई स्टेटस भी मिलेगा अगर आप लोग इस कार्यक्रम को सीरियसली लेंगे, गंभीर रूप से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे ये सब वेबिनार के साथ हम लोग कुछ असेसमेंट सिस्टम, कुछ इवैल्यूएशन सिस्टम, कुछ क्वेश्चन आंसर सिस्टम गूगल फॉर्म्स रखेंगे जिससे आप लोग पाठ्यक्रम में कितना गंभीर रूप से भाग ले रहे हैं उसका तुरंत तुरंत असेसमेंट और आकलन होगी। और इस प्रकार के डाटा जब हम भारतीय पुनर्वास परिषद को दे पाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो है हमें सीआरई का एक्रेडिटेशन दे देंगे। तो पुनः मैं आप सबकी अभिनंदन करता हूं और आज की जो टॉपिक है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बहुत ही अहम है। इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से अभी स्टेट्स में नहीं हो पा रहा है तो स्टेट्स में नोटिफाई होने में ही 3-4 साल निकल गया। अगर पूरे भारतवर्ष का आप एवरेज देखेंगे आज 5 साल बाद भी कई सारा स्टेट है जिसमें अभी भी ये नोटिफाई नहीं हुआ है। तो नोटिफिकेशन में ही इतना देरी हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ी सी देरी तो है। लोगों को समझ भी नहीं आया है अभी तक एक्ट को, ठीक से अवेयरनेस ठीक से नहीं हुआ। कोई भी एक्ट का सफल होने में सबसे अहम जो भूमिका है वो है जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी कर्मचारी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सबको उस एक्ट की अनुभव होना, उस एक्ट की प्रॉपर जानकारी होना। हम चाहेंगे इस वेबिनार के जरिए इस मुहिम को हम लोग शुरू करें और इस एक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें ताकि आने वाले दिनों में हरियाणा एक अग्रणी स्टेट बन पाए जिसमें इस एक्ट को सुगम तरीके से हम हर पहलू को इस एक्ट का हम इम्प्लीमेंट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आप सबको पुनः अभिनंदन करता हूँ इस वेबिनार पे। नमस्कार। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा अभी कि लगातार ये वेबिनार की सीरीज हम चला रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग आरसीआई के साथ मिलकर सीआरई प्रोग्राम्स हम लोग करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं सर के निर्देशन में। और सर ने जैसे कहा कि ऐसे कौन से टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, फीडबैक हमें अवश्य दे ताकि हम लोग आगे की जो प्लानिंग है उसके आधार पर कर सके। तो सर का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। जैसे सर ने बताया आज का जो विषय है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ओरिएंटेशन ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये बड़ा अहम विषय है। इसके बारे में शायद आप सभी लोग जानते ही होंगे और जैसा कि सर ने बताया कि एक तो बन गया है लेकिन जहां तक उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जहां तक उसको लागू करने की बात है, ये अपने आप में अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। तो ये हम सबका एक नैतिक उत्तरदायित्व है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को हम प्रॉपर तरीके से पहले समझें, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद बीइंग अ स्पेशल टीचर या एजुकेटर या बीइंग अ प्रिंसिपल या बीइंग कोई भी आप हो सकते, एजेंसी कुछ भी हो सकती है, इसको बेहतर तरीके से किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस पर विचार अवश्य करें ताकि दिव्यांगजनों को हम समाज में उनका जो उचित स्थान है वो उचित स्थान उनको दिलाने में हम सक्षम हो सके।
कार्यक्रम की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच रिसोर्स पर्सन जुड़ गए हैं श्री आरपी सिंह साहब। सिंह साहब के बारे में मैं आपको परिचय देना चाहूंगा कि सिंह साहब जो है अपनी लंबी सेवा अवधि समाप्त करते हुए आज इनका रिटायरमेंट का दिन है, आज सेवानिवृत्ति का दिन है सिंह साहब का। लेकिन सेवानिवृत्ति का दिन होने के बावजूद भी जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया दो दिन पहले तीन दिन पहले इस प्रकार का वेबिनार हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हरियाणा समग्र शिक्षा अभियान से जुड़कर, तो उन्होंने तुरंत अपनी हामी भरी और उन्होंने कहा कि नहीं, आज सेवानिवृत्ति का दिन तो अवश्य है लेकिन आज तो मैं सेवा में हूं ना, तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से आज जुड़ूंगा और अपने विचार जो है RPWD एक्ट के बारे में सबके सामने रखूंगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सीनियर प्रोफेसर श्री आरपी सिंह साहब का कि वो आए और हमें RPWD एक्ट का जो बैकग्राउंड है और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं RPWD एक्ट में, वो हम सबको साझा करें अपने विचार। श्री सिंह साहब, आरपी सिंह साहब धन्यवाद। धन्यवाद सुनील सर। आज हमारा जो सेमिनार चालू है इसको हरियाणा के काफी पराचार्य अध्यापक गण जो विशिष्ट बच्चों के लिए काम करते हैं तथा ऐसे अध्यापक जो नियमित कहलाते हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं अपने निदेशक महोदय का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं सुनील सर का कि मुझे सर्वप्रथम उन्होंने आने का निमंत्रण दिया है और मैं चाहता हूं कि आपकी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं एक्ट को लेकर आप प्रश्न अवश्य पूछें और मैं आपके सम्मुख कुछ ऐसी बातें रखूंगा कि आपका जो जो ब्रेन है वो स्टिम्युलेट हो जाए, आपका इंटरेस्ट स्टिम्युलेट हो जाए, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो ताकि आप अपने कुछ प्रश्न जो दिमाग में चल रहे होंगे उनको आप पूछ सकें। तो प्लीज आप नोट करते चलिए और मेरी बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। RPD एक्ट हमारा 28 दिसंबर 2016 को बनकर, यानी 28 दिसंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिए और हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी राज्य सरकारों की कि वे अपने अपने टेरिटोरियल एरिया में उसे नोटिफाई करें, उस पर काम करना शुरू करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। और इम्प्लीमेंटेशन क्यों करें इसके लिए एक छोटी सी बैकग्राउंड में आपके सम्मुख रखना चाहता हूं और मैं बैकग्राउंड में सबसे पहले UNO को लेके आना चाहता हूं। UNO आपने सभी सब आप सबने UNO का खूब चर्चा सुनी है, यानी हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो जन्म हुआ UNO का वो दुनिया भर में शांति और सौहार्द फैलाने के लिए हुआ था, क्योंकि दो युद्ध दुनिया देख चुकी थी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका जो मैंडेट है UNO का जो मैंडेट है वो है दुनिया को विश्व को युद्ध विभीषिकाओं से बचाना, और केवल युद्ध विभीषिकाओं से बचाना ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शांति स्थापित करना। शांति स्थापित करने के कुछ यार्ड स्टिक्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं और उन इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर जो महत्वपूर्ण कहलाता है वो है एजुकेशनल इनपुट, यानी शैक्षिक। तो शैक्षिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए UNO ने अपने कार्य विभाजन को अपनी कई एजेंसीज को दिया है और उनमें एक महत्वपूर्ण एजेंसी है UNESCO। UNESCO के बारे में मैं आपको बताऊं कि उसमें UN तो जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशंस, फिर उसमें ESCO और लिखा हुआ है, उसमें पहली शर्त है एजुकेशनल,
एजुकेशनल, दूसरी है कल्चरल, सॉरी साइंटिफिक, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ के अंतर्गत ये जो हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनेस्को, इसको कार्य सौंपा गया कि दुनिया भर में अगर शांति और सौहार्द स्थापित करना है तो सबसे पहले हमारे विश्व के जितने भी लोग हैं उनको साक्षर ही नहीं अपितु उनको शिक्षित भी बनाना होगा, क्योंकि शिक्षा बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है, बहुत सारे युद्ध की कल्पनाओं को दुनिया के दिमाग से निकाल देती है। अतः एजुकेशनल साइंटिफिक और साइंटिफिक थिंकिंग हमारी क्रिएट करना, हम लोग साइंटिफिक तरीके से सोचें, हमारा जो टेम्परामेंट है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हों, और दुनिया भर में एक ऐसी कल्चर फैले जिसको हम वर्ल्ड कल्चर, ग्लोबल कल्चर यानी वैश्विक संस्कृति फैलाने के लिए, तो शिक्षा संस्कृति को, विज्ञान को प्रचार करने में एक महत्वपूर्ण वेपन है, एक शस्त्र है। इसलिए हमारे जो प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं, अध्यापक जुड़े हुए हैं, उन सबका काम है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बच्चों को भी लेकर आएं जो बच्चे बहुत समय तक शिक्षा से परे रहते थे। हम लेके आए का मतलब है हम उनकी समस्याओं को समझें, विकलांगताओं को समझें, तभी हम उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं। यूनेस्को का कहना है या हमारी भारत सरकार की थिंकिंग है एजुकेशन फॉर ऑल अगर हमने प्रसारित करनी है तो उसमें विकलांग बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता। सर्वार्थ शिक्षा में, सर्वार्थ स्वास्थ्य की कल्पना में विकलांग बच्चे भी उतने ही नागरिक हैं जितने कि अन्य व्यक्ति, जो सकलांग व्यक्ति हैं वो भी। और मैं आपको बता एक चीज बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में लगभग एक बिलियन का मतलब है 1 अरब लोग किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित हैं, 1 अरब, और इनमें से भी लगभग 2.2% ऐसे लोग हैं जो सीवियरली डिसेबल्ड हैं। उन तक शिक्षा पहुंचाना यूनेस्को ने इंश्योर किया कि हम, उसने काम लिया कि हम विकलांग बच्चों के लिए भी काम करेंगे। और यूएनओ साल दर साल विश्व में साक्षरता प्रतिशत के आंकड़े इकट्ठा करता है। अगर आप नेट पर विजिट करें तो आपको पता लगेगा कि दुनिया का जो साक्षरता का औसत है वो है 84%, और उसकी ख्वाहिश है, उसका सपना है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति रह न जाए जो शिक्षा से परे हो। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण शस्त्र है, पोटेंट वेपन है, और इसके बारे में तो हमारी संस्कृत में बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। एक श्लोक आता है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन, यानी शिक्षा बनती है साहित्य से, कला से, संगीत से, और जिन व्यक्तियों को ऐसी कला और संस्कृति और ऐसा साहित्य नहीं आता है, जो इनसे परिचित नहीं है, वो साक्षात पशु हैं। तो विकलांग व्यक्तियों को हम शिक्षा से दूर नहीं छोड़ सकते, हमें उनको भी शिक्षित करना है। अर्थात शिक्षा एक राइट हमारा है, राइट, इस राइट को, इस राइट पर हर एक बच्चे का राइट, एजुकेशन पर
हर एक बच्चे का नाम है। अगर हमने पीछे हमारे कर्णधारों से सुना था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आज का बच्चा 21st सेंचुरी का बच्चा ये कह रहा है कि शिक्षा भी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को बच्चों तक पहुंचाना हमारे सभी प्रधानाचार्यों का, हमारे सभी अध्यापकों का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है, क्योंकि कोठारी कमीशन ने बार बार कहा है, किसी भी देश की शिक्षा के बारे में कहा है कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, अर्थात भारत की डेस्टिनी, भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। और ये बात हर एक देश के हर एक समाज पर लागू हो सकती है, अर्थात डेस्टिनी किसी देश की, केवल नागरिक की ही नहीं, किसी देश की अगर हमने डेस्टिनी को रीराइट करना है, हमने उसके भाग्य का विधाता बनना है, तो हमें हर बच्चे को शिक्षा का दायित्व, शिक्षा का अधिकार देना होगा। इस सिलसिले में यूनेस्को ने साल दर साल इकट्ठे किए आंकड़े, जहां विश्व का आंकड़ा 84% है साक्षरता का, वहीं भारत का आंकड़ा थोड़ा नीचा है, हमारा है अगर आप नेट पर विजिट करें तो 74% लोग भारत में शिक्षित हैं। और इन 64% में भी अगर हम महिलाओं का प्रतिशत देखें तो 64% के आसपास है। और इसमें हम अपने विकलांग बच्चों की साक्षरता का औसत देखें, भारत में मुश्किल से 49% लोग साक्षर हैं। अर्थात हम अध्यापकों को ये समझ आना चाहिए कि हमारे सामने कितना बड़ा लक्ष्य है। 49% यानी 51% विकलांग लोग देश में आज भी शिक्षा से वंचित हैं। और इसमें भी ये प्राइमरी शिक्षा का औसत है, अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं तो वहां तो लिखा हुआ है कि 90% हमारे बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन, यानी जो हमारी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है, उससे वंचित हैं। तो अध्यापकों का, प्राचार्यों का इतना बड़ा दायित्व है कि हम ऐसे बच्चों के पास पहुंचें, उनके पास हम शिक्षा पहुंचाएं। तो ये हमारा सबका दायित्व, हमें यूएनओ को समझना पड़ेगा, हमें यूनेस्को को समझना पड़ेगा। अगर WHO का सपना है कि हेल्थ फॉर ऑल, तो यूनेस्को का सपना है या भारत का सपना है कि हेल्थ फॉर ऑल के साथ साथ एजुकेशन फॉर ऑल, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्यों, कि आदमी जब कमाता है आदमी तो उसकी उसका सम्मान बढ़ता है, उसकी गरिमा बढ़ती है। इसलिए हमें देश के सभी विकलांग बच्चों को विद्यालयों तक लेकर आना है, उन्हें शिक्षित करना है और उन्हें देश का ऐसा रिसोर्स बनाना है जो रिसोर्स देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ ना बनकर अर्थव्यवस्था का बोझ ढोने वाले बन सकें। तो इस सिलसिले में यूएनओ ने सबसे पहले जो काम किया वो 1971 बहुत पहले की बातें हैं, उन्होंने सबसे पहले एक लेजिस्लेशन बनाया, इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, केयर फॉर मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन, ये एक्ट बनाया उन्होंने 1971 में। और 5 साल के बाद यानी 1975 में उन्होंने ये रिजॉल्व किया, यूएनओ ने, यूएनओ की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने ये रिजॉल्व किया कि दुनिया भर में हम वर्ष 1981 को विकलांग लोगों के लिए डेडिकेट करेंगे। और इसको उन्होंने नाम दिया IYDT,
यानी इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड पर्संस 1981। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जब वर्ष मनाया गया 81 का, तो उसके बाद जो फीडबैक गैदर किया गया यूएनओ द्वारा, वो इतना चौंकाने वाला रहा और यूएनओ को इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने 3 दिसंबर 1982 को एक वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और उसमें ये रिजॉल्व किया गया कि केवल एक वर्ष मनाने से, यानी डेडिकेट एक वर्ष डेडिकेट कर दिया विकलांगों के लिए, वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने रिजॉल्व किया विद एक्लेमेशन, एक्लेमेशन का मतलब है सबने हां करी उसमें, कि हमें विकलांग लोगों के लिए एक दशक मनाना चाहिए। और इसके चलते 1 जनवरी 1983 से लेकर 31 दिसंबर 1992 तक का दशक, यानी इंटरनेशनल डेकेड ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, जिसको हम विकलांग दशक भी कहते हैं, विश्व विकलांग दशक, इसके तहत दुनिया भर के जितनी भी सरकारें हैं उनको रिक्वेस्ट किया गया यूएनओ के द्वारा कि वे सरकारें अपने अपने टेरिटोरियल एरिया में जो जो लोग विकलांग लोग वहां उनके नागरिक हैं, उनके लिए स्वास्थ्य शिक्षा का प्रबंध करें, उनके लिए रोजगार का प्रबंध करें, और उन्हें पढ़ाने के बाद एक ऐसा नागरिक बनाएं जो अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में भरपूर कंट्रीब्यूट योगदान दे सकें। तो ये एक्ट ये दशक मनाया गया, दशक तो मना, और दशक में कोशिश की गई कि दुनिया भर की सरकारें अपने अपने यहां कानून बनाएं, विशिष्ट लेजिस्लेशन, स्पेशल लेजिस्लेशन ड्रॉप करें, अपनी अपनी पार्लियामेंट में उसे पास करवाएं और विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करना शुरू करें। लेकिन भारत में उस समय तक कानून नहीं बन पाया। हाँ, छोटा सा कानून हमारे देश में, एक अच्छा काम हुआ कि हमारा जो पुराना एक्ट था, मेंटल हेल्थ एक्ट, इसका 87 में इसको रीराइट किया गया, और उसके बाद दोबारा से हमने इसको रीराइट किया है 2017 में। उसके बाद एक आरसीआई एक्ट बना हमारा 1992 में, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमारे यहाँ जितनी भी संस्थाएं चलती हैं विशिष्ट क्षेत्र में, उनमें जो कोर्सेज, जो पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, संचालित होते हैं, उन पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता लाने के लिए, उनमें यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता लाने के लिए, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए उनका वो काम करती है, लेकिन अभी भी लॉ नहीं बना। फिर यूएनओ ने एक और आगे कदम बढ़ाया, यूनेस्को ने 1990 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जोमटियन थाईलैंड में एक शहर है, वहां एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, ऑर्गेनाइज की थाईलैंड में, जोमटियन में, और उसमें उसका जो टाइटल था उस कॉन्फ्रेंस का, वो था एजुकेशन फॉर ऑल, EFA। उन्होंने फिर इस कॉन्फ्रेंस को दूसरे 10 साल बाद फिर ऑर्गेनाइज किया, उसमें भी EFA एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य कितने निर्धारित हुए, कितने हमने अचीव किए, उन पर एक पुनरावलोकन किया गया, और लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में कानून नहीं बन पाया। 1993 में यूएनओ ने एक और स्टेप आगे लिया, एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है, और 1993 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको कहा जाता है यूएनओ रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स
फॉर इक्वलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, अर्थात उस तर्ज पर कि जिस तर्ज पर जो सकलांग व्यक्तियों के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, तो ऐसे यानी अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर विकलांग व्यक्तियों के लिए सारे अवसरों को इक्वलाइज किया जाए, इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात कही गई। और साथ ही साथ अगले साल यूनेस्को ने एक और कॉन्फ्रेंस सलामांका एक और शहर है, कहां पर, स्पेन में है, स्पेन यूरोप में है, सलामांका में एक और कॉन्फ्रेंस आयोजित करी और उन्होंने एक दुनिया को एक स्लोगन दिया, एक टाइप, एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट दी उन्होंने, एजुकेशन फॉर ऑल के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन की कॉन्सेप्ट दुनिया भर में रखी। और इसके चलते हमारी भारत सरकार को भी, क्योंकि भारत सरकार सारे डॉक्यूमेंट्स पर, यूएनओ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साइन करती है, हम सिग्नेटरी रहते हैं, हम उनको रेटिफाई करते हैं, रेटिफिकेशन का मतलब है संसद भी उस पर अपनी मोहर लगाती है, जहां संसद की मोहर लगती है उसको हम रेटिफिकेशन कहते हैं, यानी संसद का अनुमोदन, यानी संसद उस यूएनओ की पहल को, यूनेस्को की पहल को अपने देश में भी अमली जामा पहनाने के लिए कृत संकल्प हो जाती है। क्योंकि नहीं किया तो अगले ही वर्ष 1995 में भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट का नाम था पर्संस विद डिसेबिलिटीज, और ब्रैकेट में हम लिखते थे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, अर्थात विकलांग व्यक्तियों के लिए हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी बराबर अवसर, सबके बराबर अवसर, विकलांग व्यक्तियों को पीछे नहीं छोड़ना है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उनके जो अधिकार हैं, और शिक्षा एक अधिकार है, इक्वल राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन यानी जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हैं, फुल पार्टिसिपेशन का मतलब शिक्षा में उनका फुल पार्टिसिपेशन हो, रोजगार में फुल पार्टिसिपेशन हो, और बाकी जितनी भी हेल्थ की बातें हैं उन सब पर उनका अधिकार हो, इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमारा एक्ट बना। पर उस एक्ट में कुछ खामियां रह गई, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर थोड़ा जाना चाहता हूं आपके लिए कि यूएनओ ने साल दर साल यूनेस्को के थ्रू इसमें काम करना शुरू किया, और डेकेड जो था हमारा जो 1992 में खत्म हुआ, इस दशक के दौरान भी इतना रिस्पॉन्स, इतना यानी विकलांग व्यक्तियों में तो आई ही सकलांग व्यक्ति यानी विकलांग व्यक्तियों के पेरेंट्स, अभिभावक, उनके दोस्त, उनके अध्यापक गण, उनके लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन, उन सब ने ऐसी चेतना जागी कि उन लोगों ने यानी कम से कम दो एरियाज मेन है, यानी एशिया और पैसिफिक रीजन, वहां के विकलांग व्यक्तियों ने भारत अपने अपनी सरकारों से कहना शुरू किया कि भाई दशक तो बीत गया, हमें तो पता ही नहीं लगा कि दशक में कुछ हुआ भी, हमारे लिए तो कुछ काम हुआ ही नहीं, अगर कुछ काम करना चाहते हो तो एक दशक और मनाइए। तो जैसे ही विश्व विकलांग दशक खत्म हुआ, अगले ही दिन से एक और दशक की शुरुआत हो गई, और उस दशक को हम कहते हैं डेकेड फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। ये विशेष इस रीजन में
और इसका जुम्मा इसका कार्यभार संभाला यूएनओ की एक और स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको हम यूनेस्कैप कहते हैं, यानी यूएन तो हम जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशंस। ESCAP इसने यानी हमारी जो इकोनॉमिक ई से इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन, ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो केवल एशिया और पैसिफिक रीजन में काम करती है। पैसिफिक रीजन कौन सा एरिया है? इन पैसिफिक देश महासागर के अंदर जो जो देश हैं आते हैं, इसमें जापान भी एक है, मलेशिया भी एक है, सिंगापुर भी एक है, ऐसे देशों के लिए इन्होंने एक डेकेड फिर से बनाया गया, शुरुआत करी और जो दशक चला 1 जनवरी 1993 से 2002 तक, यानी 31 दिसंबर 2002 तक। इसके बाद जैसे दशक खत्म हुआ, फिर विकलांग व्यक्तियों, सकलांग व्यक्तियों, जो लोग उनसे उनके साथ दोस्ती रखते हैं, जो उनके साथ सोचते हैं, उनके बराबर सोचते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उन्होंने कहा भाई दशक तो बन गया लेकिन फिर कुछ हमारे लिए तो हुआ ही नहीं। इसी सिलसिले में जापान में एक बिवाको नाम का शहर है, बिवाको, जिसमें एक छोटा सा शहर है ओत्सू, वहां पर यूनेस्को ने एक और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी और उसको नाम दिया गया बिवाको मिलेनियम, यानी बिवाको सहस्राब्दी। यहां पर फिर से प्रण किया गया कि हम एक दशक और मनाएं, विकलांगों के लिए जब तक काम नहीं होगा तब तक हमें दशक पर दशक मनाते रहना पड़ेगा। तो हमने एक और दशक यानी 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2012 तक छेड़ दिया। और ये बार बार दशक क्यों मनाया जा रहा है और हमारे विशेष एरिया के लिए, यानी जिसमें भारत भी आता है, एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए, उसका उद्देश्य था कि भाई कुछ कॉन्क्रीट किया जाए। केवल थियरी केवल कानून बनाने देने से काम नहीं चलता है, हमें उनके लिए कुछ सॉलिड वर्क, कुछ कंसोलिडेटेड एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसमें फिर से दशक शुरू हुआ और भारत सरकार ने यानी पहले दशक में तो एक कानून बनाया, मैंने आपको बताया 1995 में, इस दशक में एक और स्टेप भारत सरकार ने लिया 2006 में, और वो क्या था कि हमारा जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, हमारा जो संस्थान है वो आता है, उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी बनाई जिसका नाम दिया गया नेशनल पॉलिसी फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, फॉर डिसेबल्ड पर्संस। नेशनल पॉलिसी बनाई गई और नेशनल पॉलिसी बनाकर ये फिर से एक नए जोश के साथ काम करने की आवश्यकता समझी, पर दुर्भाग्य है कुछ उस थियरी पर, उस पॉलिसी पर ज्यादा काम हुआ नहीं, अधूरा काम रह गया और इस पर और काम करने की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ हमारा जो फिर से जैसे डेकेड खत्म हुआ 2012 में, फिर और आवाजें आई विकलांग व्यक्तियों की, उनके अध्यापकों की, भाई हमने 30 साल मना लिए लगातार लेकिन फिर भी हम लोग जो हमारा जो 100% लिटरेसी रेट की जो कल्पना है, परिकल्पना है, वो तो साकार हो ही नहीं पाई। हमारे तो आज भी बच्चे 49% ही लिटरेट हैं, बाकी 51% फिर भी लिटरेट रह गए। तो हमें और दशक मनाने की आवश्यकता है, तो एक इंचियोन स्ट्रेटजी बनाई गई। इंचियोन स्ट्रेटजी, इंचियोन क्या, एक शहर है साउथ कोरिया में इंचियोन, वहां यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहां एक स्ट्रेटजी बनाई गई और
एक प्रण लिया गया कि भाई इस डेकेड को फिर से मनाया जाए, एक और बार एक्सटेंड किया जाए। तो एक यानी चौथी बार एक और दशक 1 जनवरी 2013 से, और अब ये खत्म होने वाला है 2022 में, 31 दिसंबर 2022 में खत्म होगा। 2020 अब लगभग आधी से ज्यादा हो चुकी है। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि हम सभी प्राचार्य जो लोग जुड़े हुए हैं, अध्यापक जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सेंसिटाइज हो सकें कि हम विकलांग व्यक्तियों को केवल विकलांग नहीं मान सकते, हमें उनको सामान्य नागरिक के तौर पर उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान करने हैं जो बाकी लोगों को मिलते हैं। और ये अधिकार, एक कॉन्फ्रेंस हमारी शुरू हुई थी, लास्ट कॉन्फ्रेंस में आपको नाम लेना चाहूंगा उसका, 2013 में, उसका टाइटल है मेकिंग राइट रियल। यानी यूएनओ की कॉन्फ्रेंस है, मेकिंग द राइट रियल, यानी जो राइट तो दे दिया, राइट केवल थियरी में नहीं, उसको रियल बनाना, रियलिटी में उसको हमें अमली जामा पहनाना है, उसको कार्यान्वित करना है, उसको क्रियान्वित करना है। हमें 100% लिटरेसी का रेट अचीव करना है, और हम विकलांगों को छोड़ दें तो हमारा जो 100% का जो साक्षरता का उद्देश्य है वो शायद अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए इस वेबिनार की कल्पना की गई है कोरोना काल में, कि जितने भी अध्यापक गण जुड़े हुए हैं वो इस बात के लिए कमर कसें, वो सारे प्राचार्य अपने कमर कस लें कि हम अपने एक्ट को जानें और उस पर सिंसियरली इन अ कमिटेड मैनर उसमें एक आउटकम दिखाने की कोशिश करें, हर एक बच्चे को स्कूल तक लाने की कोशिश करें। और मैं इसी सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं, परसों भारत सरकार ने, भारत की जो कैबिनेट है उसने नई शिक्षा नीति 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है, और ये मंजूरी पूरे देश भर में, ये जो शिक्षा नीति है पूरे देश भर में लागू होने जा रही है। इसके तहत भी विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा जो एक्ट आरपीडी एक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कि कई लोग इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से भी बोल देते हैं, आरपीडब्ल्यूडी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हम इसको आरपीडब्ल्यूडी कहना बंद कर दें। वो उसकी वजह क्या है, हम इसको आरपीडी ही क्यों कहें, उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह यह है कि यूएनओ ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया 2006 में, 13 दिसंबर 2006 को तैयार किया। उसका टाइटल है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, हम इसको शॉर्ट में यूएनसीआरपीडी 2006 भी कहते हैं। तो यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म मैं फिर से बता देता हूं, यूनाइटेड नेशंस सीआर कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो उन्होंने यूएनसीआरपीडी कहा है, ना कि यूएनसीआरपीडब्ल्यूडी। हमने पहले तीन लेटर्स को डिलीट मार दिया, यानी यूएनसी खत्म कर दिया, तो तीन अक्षर क्या बचे यूएनसीआरपीडी के, यूएनसीआरपीडी में 6 हैं, तो केवल आरपीडी बचता है। तो हम प्लीज अपने आप को थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करें, आरपीडब्ल्यूडी नहीं आरपीडी, क्योंकि हमने जो अपना एक्ट रीराइट किया है, हमने दोबारा लिखा है। वो दोबारा क्यों लिखा है कि यूएनओ, ये जो यूएनसीआरपीडी है, इसका एक सपना है कि जिस जिस देश में कानून बने हुए हैं वो अपने अपने नेशनल लॉज को यूएनसीआरपीडी के साथ हार्मोनाइज करें, बैलेंस करें, यानी जो जो बातें यूएनसीआरपीडी में कही गई हैं
वो सारी की सारी बातें हमारे नेशनल एक्ट में आ जाएं। तो इसीलिए हमारा जो आरपीडी है इसमें यूएन सीआरपीडी की जितनी भी बातें हैं उनको दर्शाया गया है। हम में से यदि कोई यूएन सीआरपीडी पढ़ ले, चाहे हार्ड कॉपी से पढ़े चाहे सॉफ्ट कॉपी से पढ़े, इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि आपने आरपीडी भी पढ़ लिया है। और अगर आपने आरपीडी पढ़ लिया है तो हम ये मानते हैं कि आपने यूएन सीआरपीडी भी पढ़ लिया है। बहुत फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क ये है, और वो फर्क मैं उसको फर्क नहीं मानता हूं कि हमारा जो एक्ट है उसमें आरपीडी एक्ट में एजुकेशन 23 आर्टिकल में आती है, 23rd आर्टिकल है, और यूएन सीआरपीडी में यही एजुकेशन का आर्टिकल 24 है। बस 24 और 23 का अंतर है, ज्यादा नहीं है। वो भी शिक्षा की बात करती है और हमारा एक्ट भी शिक्षा की बात करता है। 23 में है तो हमारे बच्चों के लिए हम सभी अध्यापकों ने प्रयास करना है कि क्योंकि शिक्षा एक अधिकार है अब, और अधिकार क्यों है, क्योंकि हम भारत सरकार ने 2002 में भारत के संविधान में परिवर्तन कर, यानी अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, संशोधन कर उसको एक मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ला दिया है, रख दिया गया है। यानी शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है। तो अब क्योंकि मौलिक अधिकार है तो हम सब अध्यापकों का परम कर्तव्य हो जाता है, हम सब प्राचार्यों का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, एक हमने एक हरियाणा के अंदर एक ऐसी क्रांति मचानी है, ऐसी क्रांति जो शिक्षा का बीज बीज न रह जाए, उसमें शिक्षा का बीज पौधा बने और वो हरा भरा वृक्ष बन जाए, जिसमें हमारे विकलांग बच्चे भी पार्टिसिपेट करें, फुल्ली पार्टिसिपेट करें। तो ऐसा अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है। अधिकार का मतलब है, मैं आपको पर्सनली अगर बात करूं प्राचार्यों से, अगर मौलिक अधिकार है तो प्राचार्य लोग प्रिंसिपल लोग ये समझ लें कि हम लोग किसी बच्चे को एडमिशन के लिए अपने विद्यालय में इस वजह से मना नहीं कर सकते कि वह विकलांग है। हमें उस विकलांग बच्चे को भी प्रवेश देना होगा। कोई अध्यापक आपके विद्यालय में ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मुझे इस बच्चे को पढ़ाना नहीं आता है इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगी। अगर ऐसा है तो आपके खिलाफ पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, ये पावर दी हुई है, पेरेंट्स आर एम्पावर्ड टू गो अगेंस्ट यू टू द कोर्ट एंड सू यू, क्योंकि आपने मौलिक अधिकार जो बच्चे का है उसको डिनाई किया है। ये संवैधानिक अधिकार है और इसमें कोई भी बच्चा आपके पास आए आप उसको एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते, उसको पढ़ाने के लिए मना नहीं कर सकते। और आरपीडी एक्ट इस बात पर जोर दे रहा है कि सभी अध्यापक सभी प्राचार्यों की का ये दायित्व, केवल सरकार का दायित्व तो है ही है, पर सरकार कहां तक आपके यहां आएगी, सरकार के अंग आप भी हैं। आप अगर मना करते हैं इसका मतलब सरकार मना कर रही है, क्योंकि आप सरकार के अंग हैं तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि विकलांग व्यक्ति को, हाँ एक बारी आपने एडमिशन दे दिया तो फिर आपको चिंता करनी है कि इस बच्चे के लिए रिसोर्सेज जो विशिष्ट संसाधन होते हैं उनको पढ़ाने लिखाने के, उनको कैसे जुटाया जाए। तो हमारे एक्ट में उन संसाधनों की बात भी कही गई है और बहुत से संस्थान हैं देश के अंदर जो डिप्लोमा बीएड और एमएड कोर्सेज देश में चलाते हैं, जो केवल विशेष स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं जिनमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है
हाउ टू टीच द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। और अध्यापकों से या प्राचार्यों से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने, यानी ये मेरा नहीं बल्कि इस एक्ट में यूएनसीआरपीडी में दो बातें विशेष हैं कि हमने एटीट्यूडिनल चेंज लेकर आना है, एटीट्यूडिनल हमारा जो सोच है उसको बदलना है। हमने एटीट्यूडिनल चेंज के साथ साथ एनवायरमेंटल चेंज, यानी ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करें जिसको हम लोग आजकल कहते हैं बाधा मुक्त वातावरण, क्योंकि हमने इन बच्चों को नॉर्मलाइज करना है, एम्पावर करना है, सशक्तिकरण करना है इन बच्चों का, तभी जाकर। और एटीट्यूडिनल चेंज का मतलब है कि प्राचार्यों का जो सोच है वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, अध्यापकों का जो सोच है पढ़ाते समय वो ऐसा हो जो इन बच्चों के अनुकूल हो। अध्यापकों की ड्यूटी क्लासरूम में ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे बच्चे जो इनके बारे हमारे बारे में नहीं जानते हैं उनके साथ वे सकारात्मक, यानी दृष्टिवान बच्चे दृष्टिहीन बच्चों के साथ या सकलांग बच्चे विकलांग बच्चों के साथ एक ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वो अन्य बच्चे के साथ, अपने सहपाठी के साथ, अपने स्कूलमेट के साथ करते हैं, क्योंकि वह बच्चा आज आपकी क्लास का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, आपका क्लासमेट है, आपका सहपाठी है, आपके साथ उठता बैठता है, इसलिए उसका सम्मान बराबर का करना चाहिए। तो हमारा जो एक्ट है इसमें 100% लिटरेसी को का जो ड्रीम है उसको हमने चेरिश करना है, और इस ड्रीम को साकार करने में आप सभी प्राचार्यों का, सभी अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल होगा। और मैं हरियाणा के बारे में थोड़ा जानता हूं कि वहां दूध दही का खाना तो है ही है, बहुत बढ़िया, हेल्थ बहुत अच्छी है, लोगों की स्वास्थ्य बढ़िया है, और लगता है कि हमारा वेबिनार आपको अपने व्यवहारों में सकारात्मकता लाने में काफी सहयोग प्रदान करेगा। आप इस वेबिनार से कुछ बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो यही है कि हम अपने विद्यालयों में वातावरण को इस लायक बनाए कि हमारे बच्चे फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली ग्रेसफुल्ली, यानी बड़े आराम के साथ एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक आ जा सकें, हर एक अध्यापक से उसी तरह बात कर सकें जैसे एक सकलांग बच्चा करता है। और अध्यापकों का भी दायित्व है कि हमें हमारे बच्चों को नॉर्मलाइज करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दें। ये ऐसी यज्ञ है जिसमें हरेक अध्यापक को अपना बहुमूल्य योगदान करना होगा। तो हरियाणा तो बहुत संपन्न राष्ट्र है, राज्य है, और आपकी संपन्नता का परिचय यही होगा कि हम विकलांग बच्चों को शिक्षा से संपन्न बनाने में अपना रोल, अपनी भूमिका अदा करें, उसमें कदापि हम पीछे न रहें। और केवल इतना ही नहीं कि जो लोग हमारे वेबिनार से जुड़े हुए हैं वही लोग, बल्कि जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी ऐसी बातों से परिचय कराएं कि विकलांग व्यक्तियों के क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। शिक्षा उनमें से एक है। अगर हम दृष्टिवान बच्चे या विकलांग बच्चों को पढ़ाई में आगे ला सकते हैं तो हम एक समाज का नया सृजन कर सकते हैं, समाज में एक नव जागरण ला सकते हैं। और इस नव जागरण के लिए हम सभी अध्यापकों, प्राचार्यों, विकलांग बच्चों के अभिभावकों, सोशल वर्कर्स जितने भी हैं, उन सबका उद्देश्य है, उन सबका लक्ष्य है कि हमारे बच्चे शिक्षित बने, सशक्त बने और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में अपना भरपूर योगदान दें। और हमारे बच्चों को आपने नॉर्मलाइज करना है, उनकी जो कुछ
डिसेबिलिटीज हैं उनको अबिलिटीज में कन्वर्ट करना है। मैं इसी बात पर, मुझे बार बार सिग्नल मिल रहा है कि मेरा टाइम खत्म हो गया है, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं आज रिटायर हो रहा हूं, तो मुझे आपकी सभी की शुभकामनाएं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह साहब। जैसा सर ने भी बताया कि आज मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, लेकिन सर कहीं से भी टायर्ड नहीं लग रहे हैं। समय की मर्यादाएं हैं जिसकी वजह से सर को हमें रोकना पड़ रहा है, अदरवाइज ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके बारे में शायद यदि हम 2 या 3 दिन भी डिस्कस करें तो शायद कम होगा। और इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को हम 2 घंटे के अंदर हमें समेटने का एक प्रयास करना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सर ने जो हमें आज बात बताई कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का बैकग्राउंड क्या रहा है, जहां तक हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल से शुरुआत सर ने करी, फिर विवाह को मिलेनियम हुआ, यूएनस्केप की बात सर ने करी, इंचार्ज स्ट्रेटेजीज की बात करी, सलामांका स्टेटमेंट की बात करी या यूएनसीआरपीडी की बात करी, ये एक सब दूसरे को एक दूसरे को लिंक करते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट है। ये कोरिलेट हो करके एक नया एक्ट जो बना है वो आरपीडी एक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं, जैसा सर ने अभी हमको बताया। एक बार मैं फिर अपने पार्टिसिपेंट को अनुरोध करना चाहूंगा कि वो बार बार जो है वो माइक को अपना म्यूट रखें। कई बार सर जब अपना स्पीच दे रहे थे तो कई पार्टिसिपेंट्स के माइक जो है वो ऑन हो जा रहे थे, जिससे डिस्टर्बेंस होता है, तो कृपया ध्यान दें इस बात का। और साथ में साथ प्रेजेंट नाउ की बटन, अब हमारे साथ में जो जुड़ने वाले हैं उनका प्रेजेंटेशन शायद आएगा, तो कृपया प्रेजेंट नाउ के बटन बिल्कुल भी ना दबाएं। इससे होगा ये कि प्रेजेंटेशन शायद चला जाए, वो डिसअपीयर हो जाए, तो प्रेजेंट नाउ के बटन बिल्कुल ना दबाएं। और ऐसे साथी, ऐसे हरियाणा के अभिभावक, टीचर्स या प्रिंसिपल्स या स्पेशल एजुकेटर्स जो हमसे जुड़ रहे हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट है गूगल मीट की, 250 से ज्यादा जुड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यदि कोई जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब की लिंक भी मैंने शेयर करी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, यदि जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी हमसे वो जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और आरपी सिंह साहब को धन्यवाद देते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वेब मास्टर। वेब मास्टर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से ये पेंडेमिक की कंडीशन हुई है, जनरली पहले हम लोग सब सेमिनार करते थे, वर्कशॉप करते थे या सिम्पोजियम किया करते थे, लेकिन जब से पेंडेमिक कंडीशन हुई है ये वेब ही एक ऐसा है माध्यम है, या ऑनलाइन एक ऐसा मोड है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो इस माध्यम से जुड़ने का प्रयास जो है वो अगले हमारे जो रिसोर्स पर्सन है जिनको हम वेब मास्टर कहते हैं, डॉक्टर पंकज सर, ये हमसे जुड़ रहे हैं। ये एक दिन में 2 या 3 वेबिनार कर लेते हैं और लगातार रोज ही रोज, कल ही इनका शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में 3 दिनों का लगातार वेबिनार कल खत्म हुआ है, आज हमसे वो जुड़ रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज सर को कि वो हमें बताएं क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं आरपीडी एक्ट में एजुकेशन के संदर्भ में, स्किल मैनेजमेंट के संबंध में और एम्प्लॉयमेंट के संबंध में। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज सर को। डॉक्टर पंकज सर, थैंक यू सो मच सर। सभी दोस्तों का स्वागत है इस कार्यक्रम में, और सभी शिक्षक बंधु हैं, सभी हम मित्र हैं और मित्र की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए ना कि कुछ और। इस बातचीत के दौरान मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा कुछ जो हमारे बंधु हैं कि कोई प्रेजेंटेशन अपना बटन ना दबाएं, वरना प्रेजेंट करेंगे तो मैं जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वो गायब हो जाएगा आपके सामने से। शायद अगर वो गायब हो जाए तो आप मेरे नाम को सर्च करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन हमारा दिख जाएगा, उसमें पिन आप कर सकते हैं, तो एक एक तरीका है। आज हम बात कर रहे हैं जो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, उस कानून की बात कर रहे हैं और उस कानून के प्रावधानों पर बात करना, चर्चा करना चाह। तो इस प्रावधानों को अगर हम गौर से देखें तो अगर शिक्षा के संदर्भ में हम प्रावधानों की बात करेंगे तो उनके प्रावधान बहुत ही व्यापक और बड़े सटीक है। एक और जहां पहले के जो प्रावधान थे वो कहीं ना कहीं एक स्कोप भी देते थे बचने का, या शिक्षा में शामिल करें या ना करें, जबकि ये कानून उसे बिल्कुल एक कंपलसरी प्रोविजंस देता है। तो मैं अभी आपके सामने अपना एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, उम्मीद है कि आपको विजिबल होगा, कोई बताएंगे। तो ये एक हम लोग बात कर रहे हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के संदर्भ में, या आरपीडी एक्ट जैसा आरपी सिंह सर ने कहा कि उस दोनों के संदर्भ में, जो फिलोसॉफिकल चेंज हो अलग बात है, लेकिन वैधानिक रूप से तो हर जगह लिखा भी रहता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, तो हम
हमने भी यहाँ पर शायद इसलिए इसे लिया है। तो अगर देखें हम कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का और इस पैंडेमिक में हम क्यों ऐसा कर रहे हैं या हम आप क्यों जुड़े हैं, क्योंकि हम आप एक गंभीर विषय के साथ जुड़े हुए हैं कि हम चाहते हैं कि उन एक जो शिक्षा में कुछ जो डिसएडवांटेज ग्रुप है या जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप है उसे एक डिसेबिलिटी को माना जाता है। अगर आप 2014 का ही मैं एक एमएचआरडी का रिपोर्ट एक अंश रख रहा हूं कि तो उसमें आप देखेंगे कि कृपया सब लोग म्यूट रखें, किसी की आवाज आ रही है, सभी लोग अपना म्यूट रखें प्लीज। तो अपना माइक कृपया ऑफ रखिए, अपना माइक, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप अपना माइक ऑन रखेंगे तो आवाज इको होगी, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, कृपया करके अपना जो माइक है वो म्यूट रखें सर प्लीज। हाँ, तो 2014 का ही एक सर्वे जो गवर्नमेंट ने खुद किया, तो एडसिल है गवर्नमेंट की बॉडी, उसने किया तो देखा कि जो 28.23% जो बच्चे हैं, मतलब 28.23% बच्चे 6-13 एज ग्रुप के हैं, अब वो स्पेशल नीड वाले हैं, अब वो स्कूल आउट ऑफ स्कूल हैं, शिक्षा मुख्य धारा में नहीं है, एलिमेंट्री स्कूल की बात कर रहा हूँ, कक्षा 1-8 तक वाली बात जो एक ग्रुप है, तो एक बड़ा ग्रुप जो है एक स्कूल से बाहर है, ये अपने आप में एक चैलेंज की स्थिति पहले थी। और आज के संदर्भ में जब हम COVID-19 के संदर्भ में चीजों को देख रहे हैं, आप रिसेंट रिपोर्ट्स को देखें, COVID-19 के बाद आने वाले चीजों को देखें, तो मैं अभी यही द हिंदू अखबार के 18 जुलाई को ही प्रकाशित खबर में था कि आप जब उसकी ग्राफ को देखें तो रिपोर्ट था कि 50-50 से ऊपर, मतलब तो हर कुछ में प्रतिशत की कितने प्रतिशत लोग अभी वंचित है शिक्षा से, तो उसमें सभी जगह यानी कि जो लोग एनरोल्ड हैं और उसमें से भी 50% अगर शिक्षा से बाहर हो पा रहे हैं या यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या के रूप में हम इसे देख सकते हैं, एक समस्या नहीं चुनौती के रूप में देख सकते हैं। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है यह क्लियर कट प्रोविजंस बनाता है एजुकेशन के लिए सभी बच्चों की। तो आज हम एजुकेशन की स्किल और तीन एम्प्लॉयमेंट की बात छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। सबसे पहले तो आप जाने जो बार बार सब हमारे प्रीवियस जो स्पीकर्स थे, डॉक्टर साहब ने और सुनील सर ने भी, सब लोगों ने इस बात को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके समक्ष रखा है कि हम कोई प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं उनको किसी डिसेबल बच्चे का नामांकन करके, कि उनका अधिकार है जो सेक्शन 31(1) है। अगर आप एक्ट का देखें तो सेक्शन धारा 31(1) जो है उसका पहला खंड जो है उपखंड 1 है, उसमें आप देखें तो एक क्लियर कट प्रोविजन बनाता है कि 6-18 साल तक के बच्चों को, और ये उस प्रोविजन जो आरटी एक्ट के प्रोविजन है उसके बियॉन्ड जाकर के उससे एडिशनल में कुछ जाकर के बात करता है, क्योंकि जो हमारा आरटी एक्ट था 2009 का वो 6-14 साल के बच्चों की बात करता है, जबकि ये उससे थोड़ा आगे जाकर के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हैं, पुनः मैं यहाँ कहना चाहूंगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है, पुनः नहीं मतलब इस बात को रखना चाहता हूँ कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति में डिसेबिलिटी का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो तो हम लोग उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी की श्रेणी में लेते हैं। तो अगर कोई बच्चा या जो बच्चा है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आता है तो उसे 6-18 साल तक अपने शिक्षा को अपने पास के इच्छा के स्कूल में या फिर किसी स्पेशल पढ़ने का उसको एक अधिकार। तो जो हमारा सेक्शन 31(1) है वो प्रोविजन देता है, कहते क्लियर कट प्रोविजन बनाता है कि एक बच्चा जो डिसेबिलिटी के साथ वाला बच्चा है उसे ये अधिकार है कि वो अपने इच्छा के अनुसार, वो या अपने माता पिता के इच्छा के अनुसार अपने पास के स्कूल में या फिर किसी स्पेशल स्कूल में अपना नामांकन करा सकता है, ये प्रोविजन मिलता है और उसे एक फ्री एजुकेशन मिलेगा वो भी। तो इस 31 एक्ट की बातें उनको ध्यान भी रखेंगे कि हर बच्चा अधिकार रखता है, अगर कहीं कोई समस्या भी आती है तो आप इस जो एक्ट का सेक्शन है इसको कोट भी कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा इस क्रम में अगर देखें तो पूरा एक्ट बड़ा कॉम्प्रेहेंसिव है, बहुत सारे उसके चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर नंबर जो 3 है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कह सकते हैं या डेडिकेटली एजुकेशन पे बात करता है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो है इस एक्ट कानून का वह बात करता है शिक्षा पे। आप इससे शिक्षा की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, किसी भी कानून में चैप्टर नंबर 1 जो होता है वह उसकी पृष्ठभूमि होती है और चैप्टर नंबर 2 उसी में डेफिनेशंस होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में कुछ प्रोविजंस होते हैं, यानी कि सबसे शुरुआत में ही आप देखें
तो शिक्षा को संबोधित किया गया है इस कानून में, यानी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके बाद अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इसमें कौन कौन से मुख्य प्रावधान है, तो चैप्टर नंबर 3 में 3 मुख्य रूप से धाराएं या आर्टिकल हैं, वो सेक्शंस हैं, तो वो सेक्शंस हैं 16, 17, 18। अगर आप देखें कि 16 नंबर जो सेक्शन है वो बेसिकली बात करता है कि शैक्षिक संस्थानों की ड्यूटी क्या है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो वो उनकी जिम्मेदारी, उनकी उनको क्या करना चाहिए, वो उनकी बात करता है। तो जो उसको आप देखिए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वे में जो पहली बात कहता है वो कहता है कि जो भी सरकार से फंडेड या मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, यानी कि या तो वहां से वो पैसा पा रहे हो या फिर कहीं से मान्यता भी पाया हो सरकार से, तो ऐसे स्कूल सारे स्कूल ऐसे ही है, या तो फंडेड या फिर मान्यता पाए, उनमें इंक्लूसिव एजुकेशन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को मिलेगा ही। और किस दशा में कैसे कैसे मिलेगा, क्या क्या दायित्व है, तो उसके लिए बने हुए हैं बहुत सारे प्रोविजंस बने हुए। तो मैं सबसे पहले पढ़ता हूं कि उसमें क्या क्या है, कि सबसे पहला कहता है कि एडमिट देम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, माने उनको बिना किसी भेदभाव के साथ आपको वहां आपको एडमिशन देना है, एडमिट करना है अपने यहां पर, उन्हें खेल कूद के पूरे पर्याप्त साधन देने, दूसरा कि उन्हें आपका जो कैंपस और स्कूल का जो परिसर होगा वो जो वहां का जो वहां की फैसिलिटीज होंगी, फैसिलिटी मतलब टॉयलेट एक फैसिलिटी है, अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी एक फैसिलिटीज है, तो उस फैसिलिटी को एक्सेसिबल होना होगा। नंबर 3 कि जो रीजनेबल एकोमोडेशन है जरूरत के हिसाब से वो करने होंगे, ये नहीं कि आप कहें कि हमसे नहीं हो सकता, ये नहीं, जो उनके जरूरत के हिसाब से रीजनेबल एकोमोडेशन है वो आपको वहां विद्यालय को, मतलब मैं ये सब बातें कर रहा हूं एक शैक्षिक संस्थान के लिए, शैक्षिक संस्थान की ड्यूटी है। दूसरा कि वो प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एनवायरनमेंट, मतलब अगर कोई जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से ऐसे माहौल का निर्माण करेंगे जो उनका समावेशन करे और उनका पूरा एकेडमिक अकादमिक और सामाजिक उनका उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। और वो व्यवस्था करेंगे कि वहां जो पर्सन विद जो ब्लाइंड या डेफ कोई आते हैं या इस तरह की समस्या जिनमें हियरिंग इंपेयरमेंट हो, बच्चे जो विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और मींस ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे। मान लीजिए जिन्हें साइन लैंग्वेज की जरूरत है तो साइन लैंग्वेज की एक बेहतर व्यवस्था और जो संप्रेषण की व्यवस्था जिससे वो कर सके बात ठीक, और ब्रेल है तो ब्रेल एक माध्यम बने जो जुड़ पाए, एक जो संवाद होता है संवाद के साथ साथ जो लिखित संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण है, इन सबको बेहतर बनाने की बात कही गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जो और कोई दिक्कत है, पेडागॉजिकल समस्या है, उनमें भी उचित समाधान ढूंढने की बात करता है ये कानून ठीक है। तो और जो क्या है कि प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि वो बच्चा मान लीजिए एक बच्चा एक स्कूल जाना चाह रहा है और वो जा नहीं पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, यह भी दुरुस्त करने कौन किसकी दायित्व है, दायित्व है शैक्षिक संस्थानों की। और इन सब चीजों के लिए 16 को पूरा करने के लिए 17 नंबर का कानून, तो मैं थोड़ा लौट रहा हूं इस बात को बताने के लिए। मैंने कहा कि सेक्शन 16 कहता है कि उचित व्यवस्था के साथ यह शैक्षिक संस्थाओं का दायित्व है, शैक्षिक संस्थानों का की ड्यूटी है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोवाइड करें डिसेबल जो बच्चे हैं या जो और बच्चे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है बेसिकली, इसको भी जानना थोड़ा समझना जरूरी है इस संदर्भ में, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को देने की, तो अगर वो परिभाषित जब ना हो तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करता है। तो इस समस्या को कहीं ना कहीं जो हमारा RPWD एक्ट है इसको दूर कर दिया। अगर आप सेक्शन 2M को देखें, यानी कि जो दूसरा चैप्टर सेक्शन 2 जो है, जो 2 होता ही है हमेशा, सेक्शन 2 यूजुअली डिफाइन कर रहा होता है, तो सेक्शन 2 जो है डिफाइन कर रहा है बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की परिभाषा दी गई। उस परिभाषा को अगर आप देखें तो वो कहता है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था का ऐसी व्यवस्था है जहां पर दिव्यांग बच्चे और साथ साथ अन्य बच्चे सभी एक साथ पढ़ते हैं और
एक ऐसी टीचिंग लर्निंग यानी सीखने और सिखाने के वातावरण या उस परिवेश का निर्माण करते हैं जहां पर जो डिफरेंटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हैं, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे, उनकी जो सीखने की आवश्यकताएं हैं वो सुटेबली अडेप्टेड हो, यानी कि उचित रूप में अनुकूलित हो। इसका मतलब सिंपल एक साधारण शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो यही है कि हम सिर्फ एक साथ बिठा दे रहे हैं बच्चों को, यही समावेशी शिक्षा नहीं हो गया। इस समावेशी शिक्षा को हम तभी समावेशी शिक्षा कह सकते हैं जब हम जो दिव्यांग बच्चे हमारे उस क्लासरूम के हैं उनकी जो लर्निंग नीड्स है, लर्निंग नीड्स में सीखने संबंधी आवश्यकता है और सीखने संबंधी जो भी उनके साथ उस एक पेरिफेरी आवश्यकताओं की बन रही है, उन सबको आप पूर्ति करें। ये अब ड्यूटी किसकी है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की? शैक्षिक संस्थानों की। तो कौन दूर करेगा? शैक्षिक संस्थान दूर करेंगे, एक बच्चा दूर नहीं करेगा। तो इसलिए ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि सेक्शन 16 इस कानून का क्लियर कट प्रोविजन देता है कि क्या क्या ड्यूटी है शैक्षिक संस्थानों की। अब शैक्षिक संस्थान जिसके अंदर आते हैं, अगर वो राज्य सरकार के शैक्षिक संस्थान है तो राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि इन चीजों को करें, और इसके लिए प्रयास प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक सरकारों या जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ स्कूल है, प्रत्येक अपने अपने स्तरों से कर रहे हैं। तो ये कुछ 16 को मैंने बताया, आप ध्यान रखेंगे, याद भी रखेंगे कि सेक्शन नंबर जो सेक्शन 16 है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, वो इस तरह के प्रावधानों को देता है। फिर सेक्शन नंबर 17 बड़ा इंपॉर्टेंट, वो क्या करता है कि जो सेक्शन 16 में बताया गया है कि आप कि भाई ड्यूटी ये है, लेकिन ड्यूटी के साथ क्या क्या आप उपागम उपाय अपनाएंगे, क्या क्या उपाय आप अडॉप्ट करेंगे, कौन कौन से मेजर्स आप अपनाएंगे जिससे कि आप समावेशी शिक्षा को फैसिलिटेट कर सकें, समावेशी शिक्षा को सुगम बना सके। तो उसमें अगर आप देखें तो वो ये किसको लेना है स्टेप, ये भी लेना है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटीज को, जो सेक्शन 16 में बात कही गई है उसको अपनाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हमें सेक्शन 17 सुझाए गए। याद रखेंगे लोकल अथॉरिटीज का संदर्भ जनरली होता है कि जो पंचायत, बहुत सारे स्कूल जो होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट से चलते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज वो है, पंचायत के अंतर्गत आते हैं स्कूल या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर स्कूल्स आते हैं, बहुत सारे राज्य लगभग सभी जगह ऐसा ही है। तो जो विलेज एजुकेशन कमेटी है या इस तरह की कमेटी है, वो इन लोकल अथॉरिटीज का दायित्व है कि सेक्शन 17 के जो प्रावधान है उनको बताएं। तो सबसे पहला जो है कि वो कंडक्ट करें, सर्वे कंडक्ट करें, कितने बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो विद्यालय जा रहे हैं, कितने बच जा रहे हैं, ये प्रत्येक 5 साल में एक सर्वे करने की बात ये कानून एक प्रोविजन बनाता है। जो पहला जो है वो होना है या हो रहा है, अपने अपने स्तर पे लोग कर रहे हैं, तो सर्वे एक व्यापक सर्वे होना है कि कितने बच्चे छूट गए, कितने बच्चे होने जाने हैं, और ये प्रत्येक 5 साल पे एक बार करने की बात कही गई। और दूसरी बात कहते हैं कि भाई कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सपोर्ट मामले, आप कह रहे हैं कि ये समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, तो क्या समुचित मात्रा में हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे शिक्षकों को पर्याप्त ट्रेनिंग दे सकते हैं? तो इस संदर्भ में भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको विस्तार करने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, एडिक्वेट नंबर, पर्याप्त संख्या में वो संस्थाएं हों हमारे बीच, और जो टीचर्स हैं उनको, ऐसे टीचर को ही रोजगार दिया जाए जो टीचर ट्रेन है, क्वालिफाइड है साइन लैंग्वेज में या ब्रेल में, ये बात स्पेसिफिकली कही गई है। और इसके लिए जरूरत है कि जो टीचर विद डिसेबिलिटी है उनको भी इंगेज करने की बात करा। एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है, आप कभी देखें तो ये जो कहता है UNCRPD, नथिंग फॉर अस विदाउट अस, एक जो एक है, मतलब कि आप किसी चीजों को आप ऐसा सोचे भी ना जिस चीज को कि जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज का प्रतिनिधित्व नहीं हो। तो शिक्षकों में भी जो शिक्षक हो डिसेबिलिटी के साथ, दिव्यांग शिक्षक हो, इसका प्रावधान सेक्शन 17 के सी सेक्शन में मिलता है, यानी 17 सी जो है आप गौर से देखेंगे तो ये एक व्यवस्था देता है जहां पर कि इंप्लॉय करे, मतलब राज्य सरकारें या केंद्र सरकार या जो उचित सरकार या जो संस्थाएं या जो बॉडी जो इम्प्लॉयर है वो उचित मात्रा में टीचर विद डिसेबिलिटी को भी रखे, जो
ब्रेल साइनेज ब्रेल या साइन लैंग्वेज इन सबको जानते हैं। फिर अगला है कि प्रोफेशनल्स जो हमारे स्कूल के टीचर हैं जो पहले से काम कर रहे हैं या कोई स्टाफ है क्लर्क है पियन है या कोई एमटीएस वर्कर है कोई और जिस तरह के जो भी जहां पर पद बने हुए उन सबको ट्रेनिंग की बात करता है उनको उनको सपोर्ट करना है इंक्लूसिव एजुकेशन की समझ जाने उससे बड़े अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उसकी भी ट्रेनिंग की बात करी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में एक अलग से एक सेंट्रल सेक्टरल स्कीम है जिसके तहत जो सरकारी अधिकारी हैं या जो विभिन्न दूसरे मंत्रालय के लोग हैं उनको एक बेहतर समझ इस कानून के बारे में हो इसके लिए एक प्रयास किया जाता है उसके लिए अलग से मुहिम भी जारी है। उसके बाद एडिक्वेट नंबर ऑफ रिसोर्स सेंटर बनाने की बात करता है कि जहां पर रिसोर्स सेंटर बनने चाहिए और जो ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि जैसे प्राइमरी एजुकेशन एक लेवल हो गया अपर प्राइमरी एक लेवल हो गया सेकेंडरी लेवल हो गया और सीनियर सेकेंडरी लेवल ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं एजुकेशन के अभी वास्तविक अभी वर्तमान में थोड़ा एनपी ने चेंज किया है एनईपी ने हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने परसों ही सुझाव किया है कुछ परिवर्तन की तो उस अनुसार भी माइनर परिवर्तन है तो वो जो प्रत्येक सतह है लेयर्स हैं हमारी भारतीय शिक्षा की विद्यालय शिक्षा की उस पे इंटरवेंशन उस पे उस स्तर पर रिसोर्स रूम बनाए जाने की आवश्यकता की बात करता है। दूसरा की जो ब्रेल साइन लैंग्वेज है उनके लिए एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव मोड्स बनाए जाए और जो जो पुस्तकें हैं जो लर्निंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन 17G बहुत इंपॉर्टेंट आज के संदर्भ में मैं सेक्शन 17G को मैं क्या आप भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये कहता है भाई कि टू प्रोवाइड बुक्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स एंड सपोर्टिव असिस्टेंस असिस्टिव डिवाइसेस टू स्टूडेंट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू द एज ऑफ 18 इयर्स। ये कह रहा है टू प्रोवाइड बुक्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स क्या हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं जो बात मैं 18 तारीख के द हिंदू के लेख की बात कर रहा हूं उसमें वही था कि उसमें ये था कि विल द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी मिस द बस मतलब क्या जो मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की जो भी शिक्षा की गाड़ी जो आगे चली है उसमें उनको जगह नहीं मिलेगा वो बस छूट जाएगी उनसे तो ये बड़ा प्रश्न है कि क्या उनसे ये छूट जाएगा ये वो शिक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री में बुक्स देने की बात है लर्निंग मटेरियल एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस देने की बात है वो उनसे वंचित ना रहे तो जो भी हम विद्यालय में है तो अपने विद्यालय के स्तर से बुक्स या जो लर्निंग मटेरियल्स हैं उनको प्रोवाइड करें ये हमारा दायित्व है कि हम सभी मिल करके उनके शिक्षा को कहीं वंचित ना रहने दें और ये प्रोविजंस करते हैं ये सभी जो बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दे आर लीगल प्रोविजंस मतलब वैधानिक प्रावधान है इनसे वंचित करने का मतलब है कि आप अपराध कर रहे हैं। इसके अलावा कि सेक्शन 16 को पूरा करने के लिए स्कॉलरशिप देने की बात कही जाती है और बात की जाती है कि सुटेबल मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम एंड एग्जामिनेशन सिस्टम आप देखते होंगे कुछ परीक्षा हेतु कुछ नियम में छूट या प्रावधान किए जाते हैं कुछ छूट नहीं कहेंगे एकोमोडेट किया जाता है जैसे कि 2 घंटे का एग्जाम है तो वहां पर 1 घंटे एक्स्ट्रा मिल जा रहा है सॉरी 3 घंटे एग्जाम में 1 घंटे एक्स्ट्रा मिल जा रहा है ये जो चीजें हैं दीज आर एकोमोडेशन और इसको सुटेबल मॉडिफिकेशन को करने का निर्देश ये देता है और सुटेबल क्या होगा ये तो डिस्कशन का मुद्दा है और उसको एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर के फॉर्म में बाद में उसे निकाला जाता है तो ये लेकिन कहती है कि जरूरत के हिसाब से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके जरूरत के हिसाब से हमें बदलाव किए जाने चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि भाई रिसर्च बहुत जरूरी है आज जो चीज आपको लग रहा है सटीक है कल होकर के वो सटीक नहीं भी रह सकती है आज जो हमें लग रहा है कि बहुत जरूरी है कल जरूरी नहीं हो सकती है हो सकता है हम समझ ही नहीं पा रहे हो कि आवश्यकता क्या है तो आवश्यकता आकलन या फिर शिक्षण विधियों संबंधी या कैसे हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसे कैसे नया बना सकते हैं कुछ बेहतर चीजें बना सकते हैं इन सभी पर कार्य किए जाने की शोध किए जाने की जरूरत है और इसके लिए प्रयास भी एक अलग से मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक अलग से स्कीम चलती है जो RPWD एक्ट के प्रोविजंस को प्रावधानों को सशक्त करने के लिए काम करती है सिप्डा स्कीम करते हैं आप उसे देख भी सकते हैं वो सारी स्कीम इसी एक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए तो और भी अब 17 में लास्ट जो है कि वो प्रोविजन कोई और भी उचित समाधान साधन या उपाय
सरकारें उठा सकती हैं जो सेक्शन 16 के लिए जरूरी है। तो आप समझ चुके होंगे कि सेक्शन 16, 17 और 18 नंबर है कि ये बच्चों की शिक्षा की बात कर रहा था 16, 17, 18 जो है वो एडल्ट एजुकेशन की बात कर रहा है, मतलब उनके जो एडल्ट के जो ग्रुप हैं उन्हें भी कंटिन्यू रखने का पूरा अधिकार है, और उनके कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए जो बराबरी के साथ दूसरे बच्चों व्यक्तियों के साथ कर सकते हैं इसकी का एक अधिकार और प्रावधान सेक्शन 18 देता है। इस तरह से आप कुल मिलाकर के देखें तो 16, 17, 18 ये तीनों हमारे एक अंग है, पूरा एक पार्ट है जो हमें एक समेकित रूप में एक पूरे शिक्षा की बात करता है। इसके अलावा 31 की बात हमने पहले की थी, 41 वाला जो एक सेक्शन है वो विमेन विद डिसेबिलिटीज की, कोई जो एक महिला है या कोई बच्ची है तो चांसेस हैं कि उनके साथ जो मार्जिनलिटी है वो मल्टीप्लाई कर जाए, यानी कि जिसे हम कहते हैं मल्टीपल मार्जिनलिटी, यानी कि जो चुनौतियां हैं या जो छूट जाने के चांसेस हैं या पिछड़ जाने के चांसेस हैं वो मल्टीप्लाई कर जाती हैं, एक गुने एक नहीं मत होती है, मतलब एक में जोड़ एक दो नहीं होता है, वह एक और एक मिलकर 11, मतलब समस्याएं 11 हो जाती हैं, मल्टीपल मार्जिनलिटी होती है। इन चीजों को भी एड्रेस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने किया है, वो कहती है, वो कहता है कि जो विमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज हैं, मतलब बच्ची हो या कोई महिला हो जो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज अगर है उनके पास, तो वो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है वो गुणात्मक रूप में उनके साथ बढ़ने का चांसेस होता है, क्योंकि वहां जेंडर की भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है और डिसेबिलिटी की भी। तो इसके लिए एक्ट प्रावधान बताता है कि उनके राइट को प्रोटेक्ट सरकार करेगी, इसका उचित समाधान ढूंढेगी, ये बात वो प्रोविजन करके देती। अब हम लोग बात कर रहे थे कि मैं थोड़ा फास्ट ही खत्म करना चाहूंगा क्योंकि समय भी, अगले स्पीकर्स भी हमारे बीच हैं, तो हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट कौन सी चीजें हैं जो आज आप सुनते हैं स्किल इंडिया में बहुत सारे प्रोविजन चल रहे हैं कि हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप एक व्यक्ति में डेवलप कर सके, कि वो अपने आजीविका का भी पालन कर सके और एक बेहतर नागरिक के रूप में जो विकास हो रहे हैं उसमें भी योगदान दे सके। तो जो एक एक स्किलिंग की बात है कि हम किस प्रकार से जो हमारे पास व्यक्ति हैं, दिव्यांगजन साथी हैं, उनको हम कैसे उनमें प्रोडक्टिविटी का विकास कर सके, कैसे हम उन्हें आगे बढ़ा सके, तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं जो सेक्शन 19 से लेकर के आगे तक है। सेक्शन 19 पूरी तरह से बात करता है कि आप कैसे इन व्यक्तियों में, दिव्यांगजनों को कैसे आप स्किल डेवलप करेंगे, कैसे उनको सेल्फ रोजगार, मतलब अपने से रोजगार करने लायक भी बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे, और उनमें वोकेशनल ट्रेनिंग देकर के उनमें वोकेशन जो होता है, जो व्यवसायिक गुण होते हैं उनका विकास करेंगे। इन सभी का प्रावधान ये पूरी तरह से देता है। 19 में ही आप देखेंगे तो उसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें आपको, मतलब सरकारों को एडिक्वेट सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि वो अपना जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है उसकी भी कर सकें, और साथ ही एज मच एज पॉसिबल जो हमारे एग्जिस्टिंग जो मेन स्ट्रीम फॉर्मल नॉन फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है, जैसे मान लीजिए ITI और उसके ट्रेड है, उनको अडॉप्ट करने की बात करता है कि उसको आप उस लाइक बनाए कि सभी बच्चे उसमें शामिल हो सके, वो मेन स्ट्रीम और फॉर्मल जो नॉन फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है उसमें शामिल हो सके, अगर जहां जरूरत है तो वहां स्पेशलाइज ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने की बात करती है। इसके अलावा भी कई और प्रोविजन है जिसके द्वारा आप स्किल्स से कोई भी हमारे दिव्यांगजन साथी आसानी से जुड़ सकते हैं। और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कई है, जैसे आप कोई भी रोजगार के बहुत सारे साधन है, तो सेक्शन 20 जो है वो क्लियर कट कहता है कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि आप अगर आप चाहें तो अपनी बात को एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल भी आपके रोजगार वाले अवसर पे होता है, उसके अलावा आप चाहें तो अपनी बात को और आगे चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी के लिए होते हैं जो केंद्र सरकार के तरफ से पूरे देश के लिए होते हैं, उसके अलावा जो प्रत्येक स्टेट में स्टेट कमिश्नर होते हैं उन सबको अपॉइंट किया जा सकता है, उन सबको आप अपने जो समस्याएं हैं, दिव्यांगजन की समस्या है, आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि ये ऐसी समस्या है और इन समस्याओं का तुरंत निराकरण होता है। तो ये जरूरी है, इस तरह से कई और उपाय हैं हमारे बीच जिससे हम चीजों को अपने जो हमारे बीच है, हम हमारे जो दिव्यांगजन साथी हैं
उन सभी को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपने साथ शामिल कर सकते हैं और जो एक बेहतर भारत के निर्माण की बात हम करते हैं कि उसकी ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो उनके लिए जो आज आप कहते हैं, कोई भी कहता है कि ये चुनौती है, ये चुनौती है, जैसे मैं हिंदू का एक बार का पढ़ रहा हूँ, 2014 का ही मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, वो कह रहा है कि ये नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो हम दोषी है, क्योंकि बैरियर्स तो वी हैव क्रिएटेड अ बैरियर्स फॉर देम, हम बैरियर हमने किया है, क्योंकि बैरियर बहुत तरह के हो सकते हैं। वो बैरियर सेक्शन 2C कहता भी है इस कानून का कि जो बैरियर वही है, जो बैरियर कहीं कहीं आप संप्रेषण में बाधा डाल रहे हैं, उनके कल्चरल डेवलपमेंट में कोई बाधा आ रही है, उनके वातावरण के इंटरेक्शन में कोई बाधा आ रही है, और वो बाधा या तो एटीट्यूडनल हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। तो ये बाधाएं तो हम ही कर रहे हैं, और हमें जब उसके समाधान और उसके इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं तो हमें इन सभी आस्पेक्ट पे सोचना होगा कि हम क्या सोचें कि उनकी बेहतर कम्युनिकेशन हो, हम क्या सोचें कि जो हमारे कल्चरल इंटीग्रिटी मतलब कल्चरल में जो उनका समावेशन हो सके, हम क्या करें कि जो इकोनॉमिक जो हमारी है देश की इकोनॉमी है या उस व्यक्ति की इकोनॉमी है जो दिव्यांगजन साथी की इकोनॉमी है वो दोनों दुरुस्त हो सके, हम क्या करें जो वातावरण है यहाँ का वो सबको स्वीकार करे, कोई ऐसे बिल्डिंग जब बनाए तो सबको शामिल करे, इन सब चीजों को देखने समझने और जाने की। हम ये शिक्षक के रूप में अपने दायित्व को ये नहीं कह सकते कि हमारा दायित्व सिर्फ स्कूल तक है, अगर स्कूल तक दायित्व है तो आज जो आपके सामने कोई अधिकारी बना बैठा है जो अगर मैं लगता है कि उनसे नहीं हो पा रहा है काम या उनका एटीट्यूड सही नहीं है, वो आपके ही स्कूल से निकल करके गया है, तो सुधार की शुरुआत तो स्कूल्स में ही करनी होगी, हमें उन सभी लोगों को सेंसिटिव करना होगा, अवेयरनेस देनी होगी, एजुकेशन और ट्रेनिंग भी आवश्यकता अनुसार देनी होगी, और तभी हम मानेंगे कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम एक बेहतर समाज जो एक है, जो बेहतर समाज का मतलब यही होता है जहां पर सभी अच्छा महसूस करें, एक दूसरे के प्रति एम्पैथी हो और सभी एक दूसरे के विकास में सहयोग करें, और इस ओर हम बढ़ेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने आज के प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूं और पुनः मैं धन्यवाद देता हूं इस आयोजक मंडली को, डॉक्टर हिमांशु दास सर को, निदेशक राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, और सुनील सर जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर पंकज सर। जैसे आपने अभी बताया कि क्या क्या प्रोविजंस है एजुकेशन के संदर्भ में, स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में और एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में, और ये जिम्मेदारी हम सबकी हो जाती है कि जहां तक हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें। धन्यवाद डॉक्टर पंकज साहब। जैसे डॉक्टर पंकज साहब ने बताया कि बहुत सारे प्रोविजंस हैं RPWD एक्ट में जो एजुकेशन को कोलेट करते हैं, और ये आप हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां तक दिव्यांगजनों के एजुकेशन की बात आती है तो उनको प्रॉपर एजुकेशन, सही तरीके से एजुकेशन और एजुकेशन में इक्वालिटी, इस बात को हमको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी दिव्यांग बच्चा यदि स्कूल में आता है तो आप डायरेक्ट डिनाई इनको नहीं कर सकते हैं कि भाई हम आपको स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं या स्कूल में आपका पंजीकरण नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतना सशक्त कानून हमारे देश में है, RPWD एक्ट इतना सशक्त कानून है, उसके बाद भी कई उदाहरण आम दिनों में हमको मिल जाते देखने के लिए कि बहुत सारे दिव्यांग बच्चे एजुकेशन से नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये हम सबके एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि इसको हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। डॉक्टर पंकज सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः मैं निवेदन करूंगा आप सभी पार्टिसिपेंट से, कृपया अपना माइक जो है वो म्यूट रखें, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इको होता है, जितने पार्टिसिपेंट अपना समय निकाल करके इस 2 घंटे के प्रोग्राम को, वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, उनको कृपया सुनने का पूरा पूरा मौका दें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर जसमेर सिंह साहब को। डॉक्टर जसमेर सिंह साहब हरियाणा से ही हैं, समग्र शिक्षा अभियान से पहले जुड़े हुए थे और वेल नोन पर्सनैलिटी है पूरे देश भर में। जहां तक हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं, डिप्लोमा की बात करते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय संस्थान में डिप्लोमा को देखते हैं, इसके अलावा पूरे देश भर में हमारे 100 से अधिक सेंटर्स हैं जो डिप्लोमा चला रहे हैं विजुअल डिसेबिलिटीज में। इसके अलावा डेफ ब्लाइंडनेस में भी डिप्लोमा कोर्सेज लगभग 10 से 15 इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं। वो सबकी जिम्मेदारी डॉक्टर जसमेर सर के पास में है।
इसके अलावा डॉक्टर जसमेर सर जहां तक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना सहयोग, अपना नेतृत्व और अपना गाइडेंस लगातार विभिन्न वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से या वर्कशॉप के माध्यम से लगातार अवेयरनेस क्रिएशन करने का काम कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ऐसे सशक्त और निर्विवाद अपनी बात रखने वाले डॉक्टर जसमेर साहब को। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर स्वागत है आपका। आज के इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर श्री सुनील कुमार सिरपुरकर जी, थैंक यू सो मच, आपने हरियाणा प्रदेश के साथ ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाने का प्रयास किया और सक्सेस रहा है, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। साथ में मैं बधाई देना चाहूंगा हरियाणा के सभी अधिकारियों का जो इसमें इसको सहयोग के रूप में इसको पूरी तरह से सफल कर रहे हैं, सभी स्पेशल एजुकेशन के प्रोफेशनल्स जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो एज ए प्रोफेशनल प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं या स्पेशल एजुकेटर हैं या किसी प्रकार से अन्य गाइडेंस का काम कर रहे हैं, आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा। स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर डायरेक्टर हिमांशु दास सर, जिन्होंने एक विजन लिया कि हम प्रत्येक स्टेट के प्रोफेशनल्स को रिस्पेक्ट देते हुए उनके साथ मिलकर COVID-19 के कारण जो समस्याएं आई हैं उनका निदान करेंगे। आपके सुजेशंस, आपकी सुझाव, आपकी स्ट्रेटजीज, आपके द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के जो नोट्स होंगे, अपडेट्स होंगे, उनको फॉलो करते हुए बीइंग ए नेशनल इंस्टीट्यूट्स हम प्रयास करेंगे कि हमारे मंत्रालय में कुछ इस प्रकार से इनपुट दें जिससे आने वाले समय में जो डिसेबल्ड पीपल्स हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उन सबको हम किसी न किसी तरह से उनका मार्गदर्शन कर पाए। स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल कि आज फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाद हमें जुड़ने का मौका मिला अपने साथियों के साथ, अपने सभी पुराने कुलीग के साथ। मैं आप सभी को राम राम कहता हूँ और प्रयास ये रहता है कि हम एक नेशनल इंस्टीट्यूट में हरियाणा स्टेट से यहाँ पर आए हैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो हमारे टीचर्स हैं उन टीचरों का इस प्रकार से हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है कि हम कुछ अपने स्टेट के सभी मित्रों के साथ, सभी भाई बंधुओं के साथ मिलकर डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। बहुत कुछ तो कर नहीं कर पा रहे लेकिन थोड़ा प्रयास ये है कि अपने स्टेट के जितने भी व्यक्ति रिहैब प्रोफेशनल्स हैं और जो कुछ करना चाहते हैं विकलांग जनों के लिए, डिसेबल्ड पीपल के लिए, कि वो हम सब मिलकर कुछ प्रयास करें। देहरादून और हरियाणा कोई ज्यादा दूर नहीं है, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, विजुअली इम्पेयरमेंट में पूरे एशिया में ये पहले जाना जाता है और विश्व के भी अग्रणी संस्थानों में से एक संस्थान है। 1943 से लेकर आज तक 75 वर्ष इन्होंने पूरे किए हैं और विभिन्न प्रकार की पॉलिसी, प्लान, ड्राफ्ट और सजेशंस भारत सरकार को दिए हैं, बहुत सारी राज्य सरकारों को दिए हैं, केवल वोटिंग से संबंधित या ब्रेल प्रेस से संबंधित ही नहीं। जो यूनिट और जो डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं वो डिपार्टमेंट भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। 1960 में पूरे विश्व में ये प्रयास चला था कि विकलांग जनों को सशक्त करने के लिए प्रोफेशनल की जरूरत है और उसी में भारत में भी ये बात चली थी कि इंडिया में किस प्रकार से टीचर एजुकेशन हो जो डिसेबल्ड के लिए काम करे, तो वो ड्राफ्ट देने वाला संस्थान भी यही है। 1960 से लेकर 1973 तक जब एनसीटी का हम नाम सुनते हैं तो उन एनसीटी के आने से पहले जो न्यूपा यूनिवर्सिटी थी उस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि किस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम हो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, तो ऐसे डिपार्टमेंट को हम पूरे देख रहे हैं। और साथ ही साथ एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में आने से पहले पूरा का पूरा टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम का ड्राफ्ट करना, रूपरेखा तैयार करना वो NIVH कर रहा था, इवन दूसरे इंस्टीट्यूट को भी गाइड करता था, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता था। आज का जो विषय है वो काफी महत्वपूर्ण विषय है जो आज हमने चूज किया है, वो विषय इतना महत्वपूर्ण है कि शायद आने वाले 25 वर्ष इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर के। अगर आज हम 2020 की बात करते हैं तो 2045 तक या 50 तक हम मान के चलेंगे कोई इतना बड़ी पॉलिसी या इतना बड़ा कानून भारत में शायद ही आएगा विकलांगजनों के लिए जितना सशक्त कानून ये RPWD एक्ट है। इस RPWD एक्ट के बनने में बहुत सारे हमारे देश के अधिकारियों का, बहुत सारे प्रोफेशनल्स का योगदान है जो बहुत लंबी मेहनत के बाद ये ड्राफ्ट के रूप में पास हुआ था। लेटर ऑन ये कानून के रूप में जब
2016 में लागू हो गया, दिसंबर 2016 से, और आज हम चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन क्या वाकई ये कानून लागू कर दिया हम सबने? सिंपल शब्दों में हम बात जानने का प्रयास करेंगे कि बीइंग ए प्रोफेशनल, अगर हम अधिकारी हैं, हम डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमारी कौन सी जिम्मेवारियां हैं इस एक्ट के तहत, और कौन सी जिम्मेवारियां हम बता सकते हैं कम्युनिटी पर्सन्स को, अन्य व्यक्तियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, ग्रास रूट पर पंचायत के व्यक्ति, अगर पेरेंट्स, गार्जियन, पीयर ग्रुप, डिफरेंट कैटेगरी, हमसे संबंधित जो प्रोफेशनल्स होते हैं, टीजीटी, विभिन्न सब्जेक्ट के 12 प्रकार के टीजीटी होते हैं, उनकी अलग अलग पेडागोजिकल स्किल्स हैं, पीआरटी है, पीआरटी के बाद अब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है। अगर आप 2020 को पढ़ेंगे भी तो आपको खुद को नजर आएगा कि कहीं ना कहीं हमारा योगदान जो है आज के समय में, वो योगदान हमने बढ़ाना है, क्योंकि अगर प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू होने वाली है 2 साल की, 3 वर्ष की, तो प्री प्राइमरी में तो स्पेशल एजुकेटर की भूमिका ज्यादा बन जाती है अर्ली इंटरवेंशन में, वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हमें बताता है। साथ ही साथ जब हायर एजुकेशन की बात करेंगे, फ्लेक्सिबल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करेंगे, फ्लक्स करिकुलम, तो वहां पर भी हमारी ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें अभी तक स्कूलिंग की जो बात हो रही है, एलिमेंट्री लेवल तक स्पेशल एजुकेटर रखे जा रहे थे, लेटर ऑन वो समग्र शिक्षा अभियान आने के बाद 10+2 तक रखे जा रहे हैं। मोटे तौर पर अगर आप एक डाटा निकालते हैं पूरे इंडिया का, तो हमें डाटा इंडिकेट करता है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की संख्या 9 से लेकर 12 तक बहुत कम है। मेंटली इलनेस या मेंटली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो अभी नया नाम आया है आरपीडब्ल्यू, उनकी संख्या बहुत कम है। उनके टीचरों के प्रोफेशनल स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स और उनकी ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत कम है। अगर थोड़ी बहुत संख्या में नजर आती है, वो फिजिकली चैलेंज्ड की नजर आती है या फिर विजुअली इम्पेयर्ड, कहीं कहीं 20 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर पर हमारे डाटा में आएंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स एजुकेशन ले रहे हैं। तो उन सबको समझने के लिए हमें जरूरत है कि हम इस ड्राफ्ट में देखें कि हमारी भूमिका क्या है। ये ड्राफ्ट जो बना वो UNCRPD जो ड्राफ्ट था और जो पास हो गया था पूरे के पूरे विश्व स्तर पर 2006 में, उस पर भारत ने साइन किए थे 2008 में कि हम भी भारत के अंदर ये ड्राफ्ट को लागू करेंगे। उस ड्राफ्ट के बेसिस के ऊपर, उस कानून के बेसिस के ऊपर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की नींव रखी और 2011 में इसको स्टार्ट किया भारत सरकार ने बनाने के लिए, पहला प्रोविजन शुरू किया। लेकिन अगर हम UNCRPD को और इस हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को कंपैरिजन में करते हैं, तो हमें पाएंगे कि UNCRPD में केवल अधिकारों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, रिहैबिलिटेशन के ऊपर, फैसिलिटी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, उनके लिए काउंसलिंग के ऊपर, उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है। जबकि हम अगर हम अपना RPWDA की बात करते हैं, तो वहां पर हमें नजर आएगा कि मोटा फोकस इसके ऊपर कैटेगरी का है कि हमने कैटेगरी कर दी डिसेबिलिटी की। कितनी कैटेगरी? पहले हमारे पास 7 थी, अभी 21 हो गई है। आप सभी बहुत ही एमिनेंट प्रोफेशनल हैं, हमने भी इस फील्ड के अंदर ग्रास रूट पर जब काम किया तो हमने भी देखा कि जो डॉक्यूमेंट्री चीजें होती हैं उनको रीजनल लैंग्वेज में माता पिता को बताने की जरूरत होती है। हमारे जो कुलीग टीचर होते हैं, जो पीआरटी टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, या फिर टीजीटी टीचर हैं, पीजीटी टीचर्स हैं, या उनसे जुड़े हुए अन्य अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, बीडीओ है, पंचायत लेवल के अधिकारी हैं, या विभिन्न सारे प्रोफेशनल्स हैं जो इकट्ठा पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, उनको वो बात बताने की जरूरत होती है आखिर डिसेबिलिटी होती क्या है और डिसेबिलिटी के अर्ली इंटरवेंशन में हमारी भूमिका क्या है। पहली भूमिका तो हमारी अवेयरनेस ही होती है कि हम अवेयर करें हमारे सारे संबंधियों, जो भी आसपास के व्यक्ति हैं, उनको छोटे छोटे चेकलिस्ट के माध्यम से अवेयर करें, छोटे छोटे मॉड्यूल के माध्यम से अवेयर करें, अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करें, या फिर न्यूज, आज के समय न्यूज एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो न्यूज एजेंसी प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, या फिर दूसरा कोई अन्य मीडिया का माध्यम है, या फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसका एक बहुत सशक्त प्रभाव पड़ता है अपने रीजनल लैंग्वेज में। अगर हम लोगों को ये बात बताने की कोशिश करते हैं, अपने ही गांव का एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, या अपने ब्लॉक के सभी अधिकारियों के जो स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप है, उसमें हम अपनी बात रखते हैं और उनको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर डिसेबिलिटी के अंदर इन सब ग्रुप की बहुत भूमिका है।
इसमें भी कैटेगराइज करते हैं कि मेल जो कम्युनिटी है वो ज्यादा पॉजिटिव है अधिकारों को लेकर या फीमेल कम्युनिटी ज्यादा है, तो उन दोनों के बीच में हमें समझने की जरूरत ये रह जाती है, प्रभावी तो दोनों ही है, लेकिन जहाँ इम्पैक्ट आता है समझाने का कि माता पिता को अच्छे से फीमेल अच्छे से समझाता है, कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि मेल अच्छे से समझा, हमें वहां पर केस स्टडी करने की जरूरत पड़ जाती है कि जो मेरी केस स्टडी सक्सेसफुल है मैं उसको पब्लिश करूं, अपने डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाऊं, ब्लॉक तक पहुंचाऊं और अपनी पंचायत में पहुंचाऊं, ताकि दूसरे लोग उसको पढ़कर उससे कुछ प्रेरणा लें और उसको आइडियल माने। तो RPWD एक्ट की जो कैटेगरी 7 से 21 बनी, तो मुझे एक लैकुना नजर आता है कि आखिर हम उन डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दूसरा उन डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कैसे देंगे और सर्टिफिकेट कहाँ पर दे दिया जा रहा है। आजकल अगर हम देखें तो हरियाणा में एक डेट डिसाइड था कि शायद वेडनेसडे को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसमें डॉक्टर की टीम बैठती है, लेकिन वो तो सर्टिफिकेट केवल 3 डिसेबिलिटी के लिए दिया जा रहा है, लेकिन 21 डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कौन देगा, ये तो सोचने का विषय है। और फिर 7 डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट भी आज तक हम दे नहीं पाए, तो 21 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बच्चे के हाथ में नहीं होगा तो उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसको अन्य कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो सोचने का विषय है इसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा। इसमें भूमिका जो बन जाती है वो बन जाती है स्टेट गवर्नमेंट के, हमारी जो असेंबली है वहां के जो मंत्रीगण हैं और उनके अधिकारी हैं और वहां पर डिसेबिलिटी कमिश्नर है जो, उसकी भूमिका ज्यादा बन जाती है कि वो सभी DC के साथ मिलकर ADC के साथ मिलकर कुछ इस प्रकार का अभियान चलाएं कि जो इन RPWD एक्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोविजन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे उनको फ्रूटफुल करना है, ब्लॉक लेवल पर कैसे करना है, विलेज लेवल पर कैसे करना है। अगर हम मोटे तौर पर एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पर हमें टीचर एजुकेशन को देखते हुए मोर देन 3 ईयर का समय हो गया है और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ कराए, स्टेट के साथ कराए, तो एक हमारे बीच में जो एक झलक नजर आती है उसमें ये आती है कि हरियाणा बहुत एडवांस स्टेट है दूसरे स्टेट के मुकाबले, यहाँ के लोगों का एटीट्यूड, यहाँ के टीचरों की एबिलिटी, यहाँ के लोगों के प्रति काम करने का जो प्रोफाइल है पॉजिटिव, और इवन अपनी तरफ से आगे बढ़कर काम करने की जो प्रोफाइल है, ये बात यहाँ से नहीं आई। जब दिल्ली के लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो वहां भी हरियाणा के कुछ व्यक्ति होते हैं जो ये पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि 3 या 4 कैपिटल के बीच में ये जो स्टेट है, उधर चंडीगढ़ पूरा का पूरा एक डेवलप्ड एरिया है, इधर दिल्ली पानीपत का ये पूरा हाईवे है पूरा डेवलप है, और इवन बहुत सारा इस प्रकार से रोड मैप बना हुआ है कि एजुकेशन में फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट तक आज अपवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो रहा है और वहां पर से भी टॉपर निकल रहे हैं जो बोर्ड्स के एग्जाम की बात करते हैं हम, तो इससे इंडिकेट हो रहा है कि एजुकेशन के प्रति जो अवेयरनेस है, न केवल डिसेबिलिटी को लेकर, इनके जो आज का स्टेट है ये काफी इंडिकेट करता है जब आंकड़े हमारे सामने आते हैं। लेकिन जब डिसेबिलिटी कमिश्नर की बात करते हैं तो हमारे स्टेट का चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर या डिसेबिलिटी कमिश्नर जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, उसका भारत सरकार के जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें कोई पॉलिसी मेकिंग में इतना ज्यादा योगदान अभी तक नजर नहीं आता। अगर नजर आता तो वो NDDS को भी लिखता, NIDS को लिखता, तो कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास भी आता है क्योंकि हम ट्रेनिंग देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं। इट मींस क्या हुआ, कहीं ना कहीं वहां पर कोई गैप है। सेम इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारे यहाँ पर एडिप स्कीम चलती है NIVH में, वो भी पूरे के पूरे 7 डिसेबिलिटी के लिए चलती है कि किसी बच्चे को मोबाइल चाहिए या कोई और सुविधा चाहिए। सुंदरनगर में भी हमारा एडिप चलता है, वो CRC कंपोजिट रीजनल सेंटर है, तो वहां पर लिखते, जो चीज वहां पूर्ति नहीं होती हमारे पास आती। इट मींस क्या कि कहीं ना कहीं वो जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी वो हमें और ज्यादा आगे तक ले जाने की जरूरत है और इसके जो विभिन्न चैप्टर है उनको समझने की जरूरत है। प्रिंसिपल का जो योगदान है स्पेशली वो बहुत पॉजिटिव है। जैसे अगर हम बात करें कि मोर देन 100 ब्लॉक्स हैं जिसमें ID स्कूल्स बनाने का जो कंसेप्ट था, रिसोर्स रूम बनाने का कंसेप्ट था, लेकिन अगर हम मेटेरियलिस्टिकिज्म से देखें तो पिछले 7 सालों में जो सामान रखा है क्या उसके यूजर्स बढ़े हैं, डायरेक्ट यूजर बढ़े हैं? यूजर में तो बहुत सारे लोग आते हैं, टीचर भी आएंगे जो दूसरे टीचर हैं, TGT PGT या फिर हमारे जो हाई जो टीचर्स हैं लेक्चरर्स हैं वो भी आएंगे। सो इसमें DP भी आएंगे, जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जो पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो भी आएगा इसमें।
30 में अगर हम खेल कूद की बात करें, पैरालंपिक शुरू हो गया है और सितंबर महीना पूरा खेलों का होता है, क्या कोई पीटीआई या डीपी आकर रिसोर्स रूम को विजिट करता और ये जानने का प्रयास करता है कि कौन से खेल है तो डिसेबल्ड फ्रेंडली होंगे। इसी से संबंधित हमारे जो नर्सरी विंग की जो शाखाएं होती हैं वो भी आएंगे कि वो क्या उसको विजिट करने के लिए छोटे छोटे खिलौने अपने लोअर लेवल पर खरीदने का प्रयास करता है तो कहाँ से खरीदेंगे, वो भी लोग आएंगे। इवन मोटी बात में ये भी कह दूं कि RPWD एक्ट के जो पैम्पलेट छपेंगे अपने स्कूल लेवल पर या पंचायत के द्वारा जो पैम्पलेट छपने हैं या स्कूल के द्वारा जो पैम्पलेट छपने हैं और उसकी जानकारी हमने सिंपल सिंपल देनी है, वो कौन करेगा? वो भी तो जिम्मेवारी हम सबकी है कि हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। अब सीधा हम बात करेंगे कि इसमें मुख्य भूमिका हमारी और अधिकारियों की क्या है। पहली भूमिका इसमें आती है जॉब से संबंधित कि इसमें रिजर्वेशन जो कोटा है वो जॉब में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों में 3% से 4% बढ़ा दिया है। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह से रहेगा, अधिकारियों के ऊपर रोस्टर पे डिपेंड करता है कि हमने किस डिसेबिलिटी को कितना हमें रिजर्वेशन देना है। पहले ये 1% था विजुअल इंपेयर्ड के लिए, 1% था HI हियरिंग इंपेयर्ड के लिए और 1% था फिजिकल एंड अदर जो डिसेबिलिटी है उनके लिए, लेकिन अब ये 4% हो गया और इसमें कैटेगरी 21 हो गई है। ये सोचने का विषय कि हमें अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर डिस्कस करना है, जब हमसे कोई राय ली जाएगी तो वो बतानी है और हमें भी समझना है, क्योंकि कोई भी डिसेबल्ड अगर हमारे पास इस बात के लिए आता है कि ये पोस्ट उस कैटेगरी में क्यों गई तो थोड़ा हल्का आइडिया हमें इस बारे में होना चाहिए। दूसरा जो प्रोविजन RPWD एक्ट ने दिया है कि हमें हेल्प करना वो स्पेशल कोर्ट ईच डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट होना चाहिए। कोर्ट में भी ये है कि अगर स्पेशल कोर्ट ना हो सके तो एक डे निश्चित किया जाए कि कब कोई भी ऐसा अडल्ट या पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिसको न्याय चाहिए और कोई हेल्प नहीं मिल रही तो वी कैन गाइड कि इस प्रकार से कोर्ट में आप प्रोविजन है, आप जाइए वहां पर अपनी एप्लीकेशन दीजिए तो आपको शायद जस्टिस मिले। महत्वपूर्ण बात के ऊपर अब मैं जो आ रहा हूँ, जिसमें आपका हमारा बीइंग ए नेशनल इंस्टीट्यूट और बीइंग ए प्रोफेशनल जिम्मेवारी है, वो है प्री एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 18। अगर नई एजुकेशन पॉलिसी को हम थोड़ा डेप्थ में स्टडी करने का प्रयास करते हैं जो अभी 2020 हुई है, उसमें बड़ी कॉमन सी बात की है कि एजुकेशन नाइबरहुड स्कूल में होगी। तो नाइबरहुड स्कूल में होगी इट मीन्स क्या हुआ कि प्रत्येक बच्चा अपने गाँव के पास, अपने ब्लॉक के पास, अपने डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करेगा, या हो सकता है कि स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ना चाहे, आर्मी स्कूल में पढ़ना चाहे। बहुत सारे स्कूलों का कंसेप्ट है, अगर 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को हम स्टडी करते हैं, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, लेकिन फिर ये स्पेशल स्कूल कहाँ पर जाएंगे जो ब्लाइंड के लिए ब्लाइंड विद्यालय बने हुए हैं, ब्लाइंड महाविद्यालय है, HI के लिए अलग से है। अगर हम एक लैकुना देखते हैं हमारे सिस्टम में, बहुत गंभीर लैकुना है, जैसे हरियाणा तो एक आइडियल स्टेट के रूप में माना जाता है, इस स्टेट के अंदर भी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के कुछ संस्थान चल रहे हैं, एक संस्थान पंचकुला में चलता है जो HI की एजुकेशन देता है, एक संस्थान रोहतक में चलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिरतार के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर ट्रेनिंग भी दी जाती है लेकिन वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तक सीमित रह गया। एक संस्थान अभी कुछ रिसेंटली मिनिस्ट्री में रखा गया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड बनाया जाएगा, पानीपत के जो ब्लाइंड स्कूल है उसकी बात है। क्या इनका कन्वर्जेंस जनरल एजुकेशन में है? क्या यहाँ के प्रोफेशनल और जो हमारे मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, ये मिलकर कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं? और फिर बच्चे का अधिकार एजुकेशन तो मैंडेटरी है, आर्टिकल 45 में है, इवन अमेंडमेंट 86 भी हमारा यही कहते हैं कि बच्चे का अधिकार है शिक्षा, तो फिर वो अधिकार शिक्षा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्यों नहीं है? वो जस्टिस में कैसा चला गया? सोशल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का तो उत्थान का काम है कि हमने उनको न्याय दिलाना है, जो मैंने अभी कोर्ट की बात की थी कि सामाजिक न्याय दिलाना, अगर किसी के अधिकारों का हनन है, पेंशन देनी है, किसी को व्हील चेयर देनी है, किसी को मोबाइल देना है, किसी को लैपटॉप देना है, किसी को अगर सर्जरी की जरूरत है, वो काम तो उस डिपार्टमेंट का काम तो ये है, एजुकेशन तो उस डिपार्टमेंट का काम ही नहीं है, फिर वो अपने स्कूल कैसे चला रहे हैं? ये तो सोचने का विषय है कि इतने अच्छे स्टेट के अंदर भी अगर ये जागरूकता है तो दूसरे स्टेट, जैसे जो अभी हम बीच के कुछ स्टेट ऐसे मानते हैं जो बड़े हैं, जहां पर प्लानिंग की कमी है, गैप्स है, अगर हम देखें कि हाईवे के ऊपर ही दो तीनों स्कूल है, बहुत बड़ा मेट्रो है, हब है पंचकूला, वहां पर भी एक स्कूल HI का चलता है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल इतना अहम नहीं है, पानीपत भी एक हाईवे के ऊपर ऐसा स्कूल है,
सेम रोहतक भी एक बहुत ही एडवांस एक सिटी है, वहां पर भी है। तो फिर एजुकेशन में और इसमें एक सोचने का विषय है, इसके ऊपर बाध्य करता है ये हमारा RPWD एक्ट कि आखिर जस्टिस में जो स्कूल खुले हैं उनकी रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी कुछ और है, वहां पर सीटेट नहीं है कंपलसरी, लेकिन अगर हम NCT को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सीटेट इज कंपलसरी, अगर चाहे प्राइमरी टीचर बनना है, सेकेंडरी बनना है, कोई भी बनना है, तो वहां पर एक गैप की बात आ जाती है कि टीचर बनने के लिए जो ये हमारा आर्टिकल बताता है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनाई जाए कि प्रत्येक बच्चा नियर बाय स्कूल में आएगा। जब नियर बाय स्कूल में आएगा तो इंक्लूसिव मॉडल जो हमारे 2020 पॉलिसी का मॉडल है कि 21 कैटेगरी को हमने स्कूल में लेकर आना है और वहीं पर उसी स्कूल में रिसोर्स रूम बनाना है, उसी स्कूल में हमने ट्रेनिंग का काम भी करना है और ब्लॉक लेवल पर एक सेंटर बनाना है, तब जाकर हम प्रत्येक बच्चे को स्कूल में इनरोल कर पाएंगे। और वैसे भी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करता है ये RPWD एक्ट, केवल एजुकेशन की बात नहीं करता है। अगर हम स्पेशल स्कूल की बात करेंगे वहां एजुकेशन अच्छी है लेकिन सोशल डेवलपमेंट नहीं है बच्चे का, पीयर ग्रुप के साथ नहीं रहता, अगर बच्चा अपने गांव का है तो गांव को ड्रॉप करके जाता है, वहां हॉस्टल में रहेगा तो उसका जो डे रूटीन की एक्टिविटीज समाज में होती है उनसे दूर होता है, और एक लंबे समय तक अगर बच्चा 15 वर्ष तक किसी हॉस्टल में रहता है तो इट मीन्स है कि सोसाइटी की चीजों को समझने में उसको प्रॉब्लम होती है बाद में। ये हमें समझने का विषय है जिसके ऊपर पूरा फोकस है और RPWD एक्ट इसके लिए मैंडेटरी करता है कि प्रत्येक बच्चा प्रयास ये करे अपने नियर बाय स्कूल में जाकर स्टडी करे। दूसरा जो मुख्य काम बन जाता है वो ऑफिस है चीफ कमिश्नर का, जो स्टेट हमारा कमिश्नर होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके अपने रोल है, वो पूरे के पूरे साल के अपनी एक्टिविटीज का एक कैलेंडर बनाता है और वहां से एक कैलेंडर छपकर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाता है, चाहे वो DM के पास जाए, DC के पास जाए, ADC के पास जाए, निचले अधिकारियों के पास जाए, जिला अधिकारी है, ब्लॉक अधिकारी है, स्कूल प्रिंसिपल है, उनके पास वो बकायदा जाता है कि अगर कोई भी इस प्रकार की डिसेबिलिटी से संबंधित कोई व्यक्ति को किसी हेल्प की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, न्याय की जरूरत होती है, तो वो उनको फैसिलिटेट करने का काम करते हैं और गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज होती हैं उनके डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं और वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करके सभी को फैसिलिटेट करते हैं। डिसेबिलिटी कमिश्नर का कार्यकाल 3 से 5 साल का होता है जो बदलता रहता है। उसके बाद बहुत सारी पावर्स होती हैं जो इंटरवीन करती है बहुत सारे ऑफिसर के साथ किसी को काम करवाने के लिए। साथ ही साथ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की बात की गई है RPWD एक्ट में कि स्टेट का अपना एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हो, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं या फिर दूसरे व्यक्ति हैं जो प्रोफेशनल्स हैं या कोई डायरेक्टर भी है, तो वो कैसा बोर्ड होगा, वो बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि जो एपेक्स बॉडी के रूप में वो काम करेगा और जो सेंट्रल लेवल की पॉलिसी है उन्हीं पॉलिसीज को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए एडवाइजरी देगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। जैसे अभी हम बात करें कि हम एडवाइजरी कौन देगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री के क्या काम है जब ये हमारा RPWD एक्ट आ गया, क्योंकि टीचर तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। अगर किसी टीचर ने बाय द वे गलती से एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने की पावर ले भी ली, अगर उसने दे भी दिया किसी बच्चे को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर किसी ने उसके ऊपर केस कर दिया और कोर्ट में हम गए और अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए कि हमने इसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किस बिहाफ पे गया, इट मीन्स है कि ये तो हमारी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया। इट मीन्स क्या हुआ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने की जिम्मेवारी हेल्थ मिनिस्ट्री की है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री को एडवाइज कौन करेगा, अगर ये बोर्ड बना है तो एडवाइज कर सकता है। सेम एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसको एजुकेशन की जानकारी देने के लिए एडवाइजरी बोर्ड उस मिनिस्ट्री को कहेगा। तीसरा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है कि वहां पर बजटरी प्रोविजन जैसे कुछ चीजें एडिप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक बच्चा ले सकता है, लेकिन अगर वो एडवाइजरी ग्रुप कह दे कि एक DM को, ADC को, ADC को, नीचे जिला शिक्षा अधिकारी को कि आपने हर वर्ष अपने ब्लॉक में कैडेट कैंप लगवाना है, या प्रिंसिपल को ये रिक्वेस्ट करे कि आपने 4 स्कूलों के व्यक्तियों को इकट्ठा करके कैडेट कैंप लगवाना है, चाहे NIBS के साथ मिलकर लगाएं या फिर हम CRC सुंदरनगर के साथ मिलकर लगाएं या फिर भारत सरकार का जो दूसरा कोई और मंत्रालय है उसके साथ मिलकर लगाएं, तो ये पूरा का काम एडवाइजरी ग्रुप का होता है कि हम फैसिलिटेट किस प्रकार से करें। अगर ये ग्रुप बना हो
तो आप भी उसके साथ मिलकर इस प्रकार के वेबिनार कर सकते हैं, इस प्रकार के सेमिनार कर सकते हैं और अपनी भूमिका को और ज्यादा सशक्त कर सकते हैं। कुछ विक्टिम होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो जिनके ऊपर ऐसे अटैक हो गया, महिलाएं हैं या फिर कुछ लड़कियां जो अफेक्टेड हो जाती हैं किसी न किसी प्रकार की क्राइम से, तो उनको न्याय दिलाने के लिए जो पुलिस प्रशासन है और दूसरा जो न्याय व्यवस्था है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियों के बारे एक्ट बताता है कि हमें किस प्रकार से एक्ट करता है। कुछ ऐसे भी ग्रुप है हमारे डिसेबिलिटी में आगे जिनको हमेशा ही खून की जरूरत पड़ती है, हर मंथ वाइज उनका खून बदला जाता है, ब्लड को चेंज की बात आती है। रिसेंटली अभी हमें कॉल प्राप्त हुई थी कि लॉकडाउन में दिल्ली में एक बच्चा है उसका खून एक महीने में बदला जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो डोनेटर है, डोनेट करने वाले हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमने प्रयास किया अपने लेवल पर, दो ट्रेनीज को दिल्ली में भेजा तो उसका एक महीने का तो हो गया चेंज, लेकिन अगर हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई 5 बच्चे कर लिए तो 5 बच्चों की जिम्मेवारी कौन लेगा, क्योंकि पेरेंट्स के पास तो समय नहीं है व्यक्ति कि जिनसे वो अपने बच्चे को इस प्रकार से बचा पाए, तो वहां पर भी हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ती है। तो ये कहता है कि ऐसे प्रोग्राम के लिए हम वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशंस को चूज करें और उनके साथ एक म्यूचुअल टाई अप रखें कि ऐसे बच्चों की, ऐसे व्यक्तियों की हम किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो RPWD एक्ट के लिए हम लोगों की जिम्मेवारी है वो है 7 डिसेबिलिटी से 21 डिसेबिलिटी को पहचानना और उनके लिए सर्टिफिकेशन कैसे होगा, उसके लिए खुद को तैयार करना और उसके लिए हमें किन किन के साथ कोऑर्डिनेशन करना है उसकी रूपरेखा बनाना, वो सब समझने के लिए हमें जरूरत है। अब नेशनल और स्टेट लेवल पर जो फंड अवेलेबल होते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, उसका आंकलन करना है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और शेयर भी करना चाहूंगा, हमने अपने लेवल पर यहाँ पर एक लेटर जारी किया हमारे सभी ट्रेनिंग सेंटर्स को, मोर देन 250 ट्रेनिंग सेंटर्स के बैच बन जाते हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, कि आप आने वाली 2021 की सेंसेस कैसी होगी, क्या हमें पता है कि उसमें डिसेबिलिटी की किस कैटेगरी आएंगी या नहीं आएंगी और उन कैटेगरी को हम चुनाव किस बिहा पे करेंगे, क्योंकि सबके पास मेडिकल सर्टिफिकेट तो है नहीं। जब 2021 की जनगणना अभी शुरू होगी और उसके आंकड़े 22 या 23 में आएंगे और डिसेबिलिटी का जब एप्रोप्रिएट डाटा ही नहीं आया तो हमारे लिए फाइनेंस कहां से आएगा, फाइनेंस तो आएगा ही नहीं, ना स्टेट का आएगा ना सेंटर का आएगा, वो क्योंकि वो तो बेसिक पॉलिसी बनाने के लिए जरूरी है हमारे पास एप्रोप्रिएट डाटा, वो डाटा कहां से आएगा जब लोअर लेवल पर लोगों को अवेयरनेस होगी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, गांव में प्रत्येक व्यक्ति को पता होगा कि कुछ लोग तो ऐसी डिसेबिलिटी है इसमें से, जो कुछ सोशल जो स्टिग्मा हम देखते हैं, जो समाज का जनरल रवैया है, अगर मैं हरियाणवी भाषा में कहूं जो हमारा सिंपल एक दृष्टिकोण है कि आधी से ज्यादा बातें तो हम डिसेबिलिटी की छुपा लेते हैं, बताते ही नहीं, तो जब हम छुपा ही लेंगे तो फिर ये डाटा तो आएगा नहीं, जब डाटा नहीं आएगा तो पैसा भी नहीं आएगा, जब पैसा ही नहीं आएगा तो आने वाली 2031 तक की जो नेक्स्ट हमारी सेंसिस होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 31 के डाटा भी 34 में आएंगे। इट मीन्स है कि जो हमारा काम करने का एक एनर्जेटिक अभी हमारा प्लेटफॉर्म है वो है कि हम सेंसिस 21 में जो अभी आने वाला है उसके लिए ग्रास रूट पे अभी से तैयारी करें, प्रिंसिपल के साथ मिलकर, टीचरों के साथ मिलकर, सरपंच के साथ मिलकर और अन्य व्यक्तियों के साथ। अगर हम भी एक ये लें कि 15 टीचर 100 परिवारों को जागरूक करेगा इसके बारे में और वो 100 परिवार आगे 100 परिवारों को जागरूक करेंगे तो शायद हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अगर हमारे पास डाटा नहीं आया तो हम जितनी भी ये डिसेबिलिटी 21 की बात करें इनके लिए फंड नहीं आएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और जब फंड ही नहीं आएगा कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, तो ये भी हमें समझने की जरूरत है कि इस प्रकार से करें। अगला जो एम्फेसिस दिया गया है RPWD में वो दिया गया है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक बिल्डिंग्स, जितने भी बिल्डिंग बने चाहे वो गवर्नमेंट बने या प्राइवेट बने, एक तो वो टाइम फ्रेम में बने कि 2 साल में बननी है तो 2 साल में बनकर तैयार हो, और पूरे के पूरे भारत सरकार की ही नियमावली नहीं है, अगर हम मोटे तौर पर देखें वर्ल्ड की जो पूरी नियमावली है एक्सेसिबिलिटी की, कि किस प्रकार के गेट होंगे, किस प्रकार की खिड़कियां होंगी, लिफ्ट कहां पर लगेगी, सीढ़ियां कितनी ऊंचाई की होंगी, फर्स्ट फ्लोर कैसा होगा, अगर ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो वो कैसा होगा, अगर हम कोई दूसरा फ्लोर बना रहे हैं, 5 फ्लोर बना रहे हैं तो उसमें रैंप किस प्रकार से होंगे, रैंप के साथ साथ सेफ्टी मेजर्स हमारे कैसे होंगे, ब्रेल के सिंबल्स किस प्रकार से लेंगे या फिर साइन लैंग्वेज किस प्रकार से लगेंगी, अगर बहुत सारी कैटेगरी है हमारे पास जो डिसेबिलिटी की है उनके लिए एक्सेसिबिलिटी के ऊपर हमें
समझने की जरूरत है, क्या वो हमारे स्कूल आने वाले एक्सेसिबल है। जो करंट में हमारे स्कूल है उसमें तो हम माइनर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो कई रूम बन रहा है या तीन रूम बन रहे हैं, पांच बन रहे हैं, वो एक्सेसिबल कैसे होंगे, तो वो तो समझने की जरूरत है। हमारे मिनिस्ट्री में इसी के लिए एक आर्किटेक्चर नियुक्त किया हुआ है, अगर आप जाके सर्च करेंगे तो हम उसकी सहायता ले सकते हैं और अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर अगर कोई रूम बन रहा है या भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है आप उसको एक्सेसिबल करें। और मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, दिल्ली गवर्नमेंट में स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एक ग्रुप ने कोर्ट में केस किया और हमारी जो एजुकेशन मंत्रालय है दिल्ली में उनको कोर्ट से समन जारी हो गया वहां के डायरेक्टर को कि आपने अपने स्कूलों को अभी तक एक्सेसिबल क्यों नहीं किया है। और हमारे एक टीचर हैं, हमारे जानकार हैं, वो हमारे क्लासमेट भी हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं और पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज्यादा, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया क्या आपके पास कोई एक्सेसिबिलिटी का कोई डॉक्यूमेंट है। और सच्चाई की बात यह है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट स्टेट के पास नहीं है कि किस प्रकार से स्कूलों को एक्सेसिबल करना है, किस प्रकार से पंचायत बिल्डिंग को एक्सेसिबल करना है। और इवन अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें, ये तो मैंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, अगर यूरोप में के कंट्रीज में जाएंगे, स्पेशली इटली में, जापान में, अगर हम एशिया के डेवलप कंट्री में जाए तो वहां पर हम देखेंगे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन तो एक्सेसिबल है ही नहीं, ना हमारी गाड़ियां हैं जिसमें व्हील चेयर वाला जा सकता है, ना बस है, ना ट्रेन है। और इवन अगर हम बात करते हैं तो फिर क्या होगा, हवाई जहाज में तो हम चढ़ सकते हैं, वहां तो व्हील चेयर मिल जाता है, लेकिन बस स्टैंड पे तो कोई व्हील चेयर नहीं होता। इवन अगर टैक्सी में हमें जाना है तो टैक्सी भी एक्सेसिबल नहीं होती। तो इट मीन्स है कि कहीं पर हमें सोचने की जरूरत है कि मोटर व्हीकल एक्ट है जो, उसमें भी एक्सेसिबिलिटी लाने और ये इसके बारे में जागरूकता हमें फैलाने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। टोटल इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर जो चैप्टर हैं वो चैप्टर 17 हैं। 17 में से हमारी जो मुख्य भूमिकाएं बन जाती हैं एजुकेशन को लेकर, जो चैप्टर नंबर 5 है जो सोशल सिक्योरिटी की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, रिहैबिलिटेशन की बात करता है, जो चैप्टर नंबर 6 है जो स्पेशल प्रोविजन करता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करता है, चैप्टर नंबर 8 जिसमें मैं अभी आपके सामने इंटरेक्ट हो रहा हूँ, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हम भी गवर्नमेंट का पार्ट है। अगर ट्रेजरी से कोई भी पैसा किसी भी रूप में किसी प्रोफेशनल के पास जा रहा है क्योंकि वो प्लान किया हुआ पैसा होता है, तो हम उसमें गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही वर्क कर रहे होते हैं, तो वो वर्क क्या होगा, वो वर्क यही तो है कि हम इस एक्ट को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें और ये बताने का प्रयास करें कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो कंसेप्ट है वो ब्रॉड लेवल का कंसेप्ट है, प्रत्येक बच्चे की एजुकेशन, उसका सामाजिक विकास और उसका इवन सर्वांगीण विकास, जॉब लेने के बाद समाज में उसके लिए पूरी पॉजिटिविटी, वो बहुत जरूरी है। मैं बात करूं स्पेशली, आई एम वेरी थैंकफुल टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अब आप ये बात भी समझने का, हम एक ऐसे स्टेट से संबंध रखते हैं स्पेशली मैं भी, कि जब पहली बार स्पेशल एजुकेशन में डिग्री प्रोग्राम की बात आई तो अग्रणी यूनिवर्सिटी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 1992 में वहां पर बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट शुरू किया गया और कुछ ही वर्षों के बाद एमएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट शुरू किया गया। और वहां के जो उस समय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो डिपार्टमेंट केवल हरियाणा तक सीमित नहीं था, हमारा उस समय का डिपार्टमेंट पूरे के पूरे इंडिया में पॉलिसी फ्रेम करने में था। आरसीआई की जितनी भी पॉलिसियां बनाएगी, जितनी प्रकार के भी करिकुलम बने, उन सब में योगदान रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उस समय का। लेकिन कुछ समय के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही केवल विजुअल इंपेयरमेंट का डिप्लोमा चला, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में चला गया, दूसरी यूनिवर्सिटीज। अगर हम छोटा सा बात करें, हमारे पड़ोसी राज्य को आप स्टडी करने का कोशिश की, उत्तर प्रदेश में पूरे के पूरे उत्तर भारत की एक रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी जो बनी, जिसका बजट 500 करोड़ से ज्यादा का है और उसमें डिसेबिलिटी से संबंधित डिफरेंट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। लेकिन हम तो बहुत एडवांस स्टेट है, हमारे यहाँ पर 37 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें एक भी डिसेबिलिटी की नहीं है, लाख की 5 यूनिवर्सिटीज है, अकेडमिक्स की हमारे यहाँ पर 6-7 अच्छी यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर की 2-3 यूनिवर्सिटीज हमारे पास, टेक्निकल गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है। लेकिन हमारे पास अगर डिसेबिलिटी की बात करें, इतना बड़ा कोर ग्रुप है, इतना एडवांस स्टेट है, तो यहाँ पर डिसेबिलिटी की तो कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं।
जबकि बराबर में अगर हम देखें कोयम्बटूर के अंदर एक डिसेबिलिटी की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चलती है, क्योंकि हमने केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट तक अपने आप को सीमित रखा। अगर हम थोड़ा ब्रॉड करते और हमारे जो व्यक्ति थे उस समय के उनको इम्पोर्टेंस मिलती, तो शायद जो यूनिवर्सिटी स्किल इंडिया के नाम से या स्किल डेवलपमेंट के नाम से फरीदाबाद में खुल रही है, गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी खुल रही है, तो एक डिसेबिलिटी की यूनिवर्सिटी भी हमारे एनसीआर एरिया में खुलती। रोहतक में प्रयास किया गया, एक सिरतार इंस्टीट्यूट बनाया गया, क्यों ना उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए और वहीं पर सारे डिसेबिलिटी के कोर्स हो, क्योंकि वो दिल्ली के बिल्कुल पास में है। या फिर पानीपत का जो ब्लाइंड स्कूल है उसको क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनाया गया। जब स्पोर्ट्स स्कूल राई को एक यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की बनाया गया, तो क्या फिर इतने पुराने स्कूल को हम यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा विजन कहीं ना कहीं हम उस दिशा में नहीं है। हम एक्ट को पूरी तरह से फुलफिल करने में हमारे जो डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं या हमारे जो अग्रणी प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात को नहीं सुना गया। अगर यही एजुकेशन मिनिस्ट्री का पार्ट होता हमारा ब्लाइंड स्कूल और हमारे ये सब चीजें सिरतार, तो हम यूनिवर्सिटी बन जाते, क्योंकि हम किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, हम इस डिपार्टमेंट के संदर्भ में आते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और हमारे इंस्टीट्यूट उसके अंडर है, तो वहां पर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोविजन ही नहीं है, प्रोविजन है एजुकेशन डिपार्टमेंट के। तो हमें इसके ऊपर भी समझने की जरूरत है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक स्पेशल स्कूल या फिर उसका कोई ट्रेनिंग सेंटर बनवाएं और सब मिलकर उस दिशा में प्रयास करें। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट से इस दिशा में आपको कोई किसी प्रकार की हेल्प की कोऑपरेशन की जरूरत है, तो हम जो दूसरे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स है कैसे स्टेब्लिश हुई और इन फ्यूचर में कैसे बन सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसने तो पूरे रास्ते खोल दिए हैं कि नए कॉलेज आए वो भी अपने डिग्री दे सकते हैं, नए इंस्टीट्यूट बन सकते हैं, नई डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकती है। तो क्यों ना हम अपनी डिसेबिलिटी के लिए को एक लेवल पर लेकर आए और उसके लिए प्रयास करें। तो आज के वेबिनार में मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जरूर सोचें कि डिसेबिलिटी यूनिवर्सिटी क्या हरियाणा में बन सकती है और उसकी संभावनाएं तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि सभी आप में से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंकेज होंगे, अगर कोर ग्रुप में जाकर डिस्कस करेंगे तो जरूर रास्ता निकल कर आएगा। अगली जो इसमें बात की गई है इसी के जो चैप्टर में है वो है सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज। हम उसमें भी मिलकर काम कर सकते हैं कि हम सेंट्रल लेवल पर जितनी बॉडी बनी हुई है सारे के सारे 8 नेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, कुछ कोऑपरेशन बने हुए हैं, कुछ सीआरसीज है हमारी, उनके साथ समझने का प्रयास करें और कम से कम उनमें जुड़े हुए आपके डिस्ट्रिक्ट में से कोई व्यक्ति अगर वहां के किसी संपर्क में है वहां की जो में, तो उसका भी हेल्प करने की प्रयास करें। स्टेट फंड की जरूर बात करें कि स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई फंड जरूर रखें ताकि उस फंड की हेल्प से हम कुछ हेल्प कर पाए। उसके साथ साथ जो दूसरे ऑफेंस या पेनल्टीज हैं अगर कोई समाज में कर रहा है तो उसको हम थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करें कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस पूरे के पूरे वेबिनार में आप सबके साथ इंटरेक्ट करके हमें बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं कि आप हमारी बातों से थोड़ा बहुत सहमति जरूर रखते होंगे। फ्यूचर में भी हम इसी प्रकार से आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हरियाणा प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते हम चाहेंगे कि जब तक हम NIVH में यहाँ पर है, अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प या कोऑपरेशन की जरूरत है तो NIVH से पूरा प्रयास रहा जाएगा कि सुनील जी ने जिस प्रकार से वेबिनार करवाया है और इससे पहले हम भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और जींद यूनिवर्सिटी में जाकर कुछ सीआरई प्रोग्राम करने का प्रयास करे थे और सफल भी हुए हैं, कुछ कमियां भी रही होंगी, हम इसी प्रकार से आपके साथ मिलकर काम करें और पूरे देश में ये पूरा प्रयास रहे कि हमारा हरियाणा आगे था, आगे है, आगे रहेगा और एक डिसेबिलिटी में एक नया आयाम दे। तो सुनील जी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं इस बात को लेकर कि हम ये पूरा प्रयास करें कि हम NCR में जो 16 डिस्ट्रिक्ट आते हैं कि पूरा डिसेबिलिटी के अंदर हम अपना सब कुछ देने के प्रयास करेंगे ताकि मिनिस्ट्री ये सोचने पर बाध्य हो जाए कि इस स्टेट को मॉडल माना जाए, क्योंकि कुछ स्टेट से तो काफी आगे हम आ गए हैं लेकिन बात है कि दिल्ली से आगे निकलने की है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते राम। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर जसमीर सर। जैसे आपने कहा हरियाणा स्टेट आगे था, आगे है और आगे रहेगा और निश्चित रूप से रहेगा। हिसाब से आपने बताया कि जहां तक हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं कि 1992 से ही लगातार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम चलते आ रहे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोटिवेशनल स्पीच आपने दी है आज, और मुझे लगता है जो हमसे जुड़े हुए हैं जितने भी सज्जन हैं
ये प्रिंसिपल्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं और रेगुलर टीचर्स भी हैं। इसके अलावा ऑफिशियल्स भी शायद मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं, सब अपनी बातों को सुन रहे हैं। तो सबसे आह्वान यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस RPWD एक्ट को सुने, समझे, समझने का प्रयास करें और उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का एक उत्तरदायित्व जो है वो हम लोग निभा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपसे जरूर फीडबैक चाहेंगे हम लोग। आप डिस्ट्रिक्ट जो कोऑर्डिनेटर है उनसे मैं निवेदन करूंगा, नोडल ऑफिसर से निवेदन करूंगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। इसके बारे में आप स्टेट कोऑर्डिनेटर को लिखें और स्टेट कोऑर्डिनेटर से मैं निवेदन करूंगा कि हमें अवश्य लिखें कि आज के प्रोग्राम के बारे में कि आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दें। इसके अलावा भविष्य में भी किस प्रकार के वेबिनार हमको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए जिसको हमको डिस्कस करने की जरूरत है, वो भी जरूर सुझाएं। और जो भी कुछ आपको लगता है इस वेबिनार में जो कमी रही होगी इसे भी हमें अवगत अवश्य करवाएं। प्रशंसा बिल्कुल ना करें, हमारी कमियां जरूर गिनाएं, हम चाहेंगे इन कमियों को हम लोग जल्द से जल्द उसको दूर करने का प्रयास करें। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में धन्यवाद ज्ञापन के लिए जयश्री शर्मा मैडम को आमंत्रित करता हूँ। जयश्री शर्मा, धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे वेबिनार का आज का विषय रहा है RPWD एक्ट। RPWD एक्ट कोई पहला एक्ट नहीं है, जैसे कि अभी वक्ताओं ने बताया कि इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं दिव्यांग जनों के अधिकारों के संदर्भ में। अब RPWD एक्ट क्यों अहम है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन या दिव्यांगता के प्रति कि वो जो है एक चैरिटी बेस्ड अप्रोच उनके लिए अपनाई जाती थी। परंतु जैसे जैसे समाज में डेवलपमेंट हुआ और लोगों में जागरूकता बढ़ी तो ये जो चैरिटी बेस्ड अप्रोच है वो राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ आगे बढ़ी। तो हमारा जो संस्थान है वो भी अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है। हमारा संस्थान दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ये विभिन्न वेबिनार्स के थ्रू अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है। आप लोगों का मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन की तरफ आगे बढ़ती हूँ। तो धन्यवाद की इस कड़ी में सबसे पहले मैं हमारे संस्थान के निदेशक महोदय आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उनका जो निर्देशन रहा है हमारे लिए, जिसके द्वारा हम विभिन्न माध्यमों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ पाए हैं, ये वेबिनार्स कर पाए हैं। और सर आपके आशीष वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ही संस्थान के सीनियर प्रोफेसर श्री RP सिंह सर का। RP सिंह सर ने जो आज हमें RPWD एक्ट की जो बैकग्राउंड्स बताई हैं, सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे सर का जो है रिटायरमेंट है उसमें भी सर आपने जो हमारे लिए एक कीमती वक्त आपने दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही आपके शुभ भविष्य, मंगल भविष्य की कामना करती हूँ, दीर्घायु की कामना करती हूँ, आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु भवन। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी की कड़ी में जो धन्यवाद ज्ञापन है, अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे संस्थान के डॉक्टर जसमेर सर का। जसमेर सर को तो सभी जानते हैं, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर को वो चला रहे हैं, यही नहीं बल्कि हमारे देश में 100 से अधिक क्षेत्रों में वो इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही RPWD एक्ट में वो जो है इम्प्लीमेंटेशन करने का काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने जो हमें जो जानकारी दी है RPWD एक्ट के बारे में, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर पंकज सर का। पंकज सर हमारे जो हैं वेबिनार के मास्टर कहे जाते हैं। धन्यवाद सर, आपने जो आज हमें एम्प्लॉयमेंट और जो स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के बारे में जो RPWD एक्ट में जो उनके प्रोविजन है उनके बारे में जो जानकारी दी उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री रजनीश जी का जो राज्य प्रभारी हैं समग्र शिक्षा हरियाणा में। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर अब मैं अंत में धन्यवाद करना चाहूंगी श्री सुनील शिरपुकर सर का जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इस वेब सेमिनार के
सर आपके अथक प्रयास के द्वारा ही ये संभव हो पाया है जो सफलतापूर्वक आज हम ये सेमिनार कर पाए हैं। सर इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपकी टीम के लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने प्रतिभागियों को कैसे भूल सकते हैं, जो हमारे प्रतिभागी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, हेडमास्टर्स हैं, स्कूल टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, नोडल ऑफिसर्स और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे आने वाले समय में इसी तरह की वेब जो सेमिनार्स हैं हम आपके लिए लाएंगे और उसमें जो है नए विषय के साथ हम आपके साथ नए पर्सन के साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री मैडम। आप सबका पुनः मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। आप सम्मानित सदस्यों का बहुत तहे दिल से मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला हमसे जुड़े। और मैं फीडबैक अवश्य चाहूंगा आप लोगों से कि आप स्टेट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से फीडबैक हमें अवश्य प्रदान करें ताकि अगला वेबिनार हम लोग नेक्स्ट वीक में कर सके और एक अच्छे टॉपिक के साथ में, अच्छे नए रिसोर्स पर्सन के साथ में आप सबसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अब मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद।